ये पूरी प्रकृति पंच महाभूतों से बनी है, जिसमें भूमि माता तत्व है, पिता गगन पिता तत्व है, वायु प्राण तत्व है, अग्नि स्फूर्ति और नीव जीवन तत्व है। मन जो है वो संचालन तत्व है, बुद्धि चेतना और अहंकार डीएनए तत्व है। ये आठ तत्व जो है ये जो ऊर्जा के स्रोत है इस प्रकृति में, ये अपरा ऊर्जा है और ये परा ऊर्जा है। अपरा ऊर्जा यानी जो स्थिर है, जिस ऊर्जा को हम जीवन भर स्थिर रखना पड़ेगा, ये कम ज्यादा हुआ तो हम बीमार हो जाएंगे, अपरा ऊर्जा है इसको हम, मैंने स्थिर ऊर्जा लिखा भगवान कृष्ण ने, अपरा ऊर्जा अपरिवर्तनीय ऊर्जा। और मन बुद्धि और अहंकार ये परिवर्तनशील है और ये जो है गमन भी करता है, मतलब ऊर्जा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाता है, एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाता है। तो इस तरह से ये आठ ऊर्जा स्रोतों से पूरी प्रकृति बनी है। और भूमि तत्व जो है हमारे शरीर का अन्नमय कोष बनाता है, जो भौतिक हमारा शरीर दिख रहा है, हड्डियाँ ढांचा, जिसको जो है रस कहते हैं, मांस मज्जा अस्थि मज्जा मेधा और वीर्य जिसको कहा जाता है, ये अन्नमय कोष का निर्माण भूमि तत्व करता है। गगन तत्व जो है प्राणमय कोष का निर्माण करता है, ये जीवन देता है, नए मतलब एक जीव से दूसरे जीव में जीवन का ट्रांसफर गगन तत्व करता है, तो ये प्राण की उत्पत्ति करता है। वायु तत्व जो है ये मन की उत्पत्ति करता है, ठीक है, मन का निर्माण करता है, इसलिए अच्छी वायु में रहना चाहिए। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम इसलिए कहा गया, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, क्योंकि जैसा मन होगा शरीर वैसा करता है, तो बहुत महत्वपूर्ण कारक है मन, इसलिए अच्छी वायु में रहना, सुगंधित वायु में रहना मन का निर्माण करता है। अग्नि जो है हमें बुद्धि का निर्माण करता है, हमारे शरीर में विज्ञान, नए नए खोज, ठीक है, प्रकृति को पहचानने की कला अग्नि निर्माण करता है। तो अग्नि तत्व हम हमारे शरीर में कैसे संतुलित रखें, और अग्नि तत्व जितना शुद्ध होगा और जितना सजीव होगा, बालक उतना बुद्धिमान होता है, जितना शुद्ध होगा उतना जो है बालक की बुद्धि शुद्ध होगी, अग्नि जितना जो है खराब होगा। अग्नि को शुद्ध रखना आज तक कोई चर्चा नहीं करता, हर आदमी किसी से भी भोजन बना के ग्रहण करता है, जितना अग्नि शुद्ध रहेगा हमारा माइंड उतना शुद्ध रहेगा, अग्नि जितनी सजीव रहेगी हमारी माइंड उतनी सजीव रहेगी, ठीक है। और जितना हमारी अग्नि में शक्ति रहेगा उतना हमारे जो है बुद्धि में शक्ति रहेगी। अभी अग्नि के अंदर ही अग्नि तत्व नहीं है, हम जो लकड़ी जलाते हैं, चूंकि उसमें मिट्टी में जिंक मैग्नीज कॉपर नहीं, तो जो लकड़ी हमारे खेत में खड़ी है उसी में जिंक मैग्नीज कॉपर नहीं होगा, तो उसके अग्नि में तेज नहीं होगा। हमारी मिट्टी में अग्नि तत्व नहीं है, यानी जिंक आयरन मैग्नीज कैल्शियम नहीं हमारी मिट्टी में, जो ज्वलनशील तत्व हैं, जो पित्त वाले तत्व हैं, तो हमारी फसल में भी नहीं आते, हमारा सब्जी गेहूं चावल इनमें नहीं आता अग्नि तत्व। तो फसल में भी रस चूसा कीट आते, हम में भी सर्दी खांसी जुकाम और शुगर होता है। तो अग्नि तत्व अगर कम रहेगा तो हमें शुगर होगा, अग्नि तत्व प्रबल है हमारे शरीर में, जैसे बच्चे के शरीर में अग्नि तत्व प्रबल जो है प्रबल रहता है, युवा अवस्था में अग्नि तत्व प्रबल रहता है, तो बहुत ज्यादा जोश रहता है। तो इस वजह से क्या है कि अग्नि तत्व का शुद्ध होना सजीव होना भी बहुत आवश्यक है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। आजकल जो खाना बनता है गैस सिलेंडर में सब मीथेन जो गैस है उसको शनि का दर्जा दिया गया है, ठीक है, पूरा जो है शनि ग्रह मीथेन गैस से बना है, और आजकल उसी सड़े नाले के मीथेन से खाना बन रहा है। तो अग्नि तत्व तो ठीक नहीं रहेगा तो जो है हमारा जीवन ठीक नहीं होगा। वैसे नीर तत्व तो जितना शुद्ध और सजीव होगा, क्या बोल रहे हैं, नीर तत्व जितना शुद्ध और सजीव होगा उतना ज्यादा हमारा हमको आनंद आएगा। जितना आपका पानी शुद्ध होगा, जितना आपका पानी शुद्ध होगा उतना ज्यादा हमको जो है हमारे एक एक माइटोकांड्रिया को भोजन मिलेगा, एक एक टिश्यूज का जीवन पूर्ण होगा, तो हमारा जीवन आनंद में गुजरेगा। तो नीर तत्व पूरे होने से आनंदमय कोष का निर्माण होता है। तो ऐसे ये प्रकृति निर्माण की प्रक्रिया है, पिछले सेशन में मैंने बताया था, है ना।
आपका मन जो है जितना शुद्ध सजीव होगा उतना ज्यादा आप किसी को आदेश दे सकते हो। आपकी बात अगर समाज नहीं मानती इसका मतलब आपका मन तत्व ठीक नहीं है। यदि मोदी जी की बात मान करके और हजारों लोग जो है अपना जीवन समाज को दे रहे हैं तो इसका मतलब है उनका मन जितना शुद्ध होगा उतना ज्यादा वो किसी को प्रभावी कर पाएंगे। आपका ही मन, जैसे क्या होता है हम गुड़ खाते और किसी को बोले गुड़ ना खाओ तो स्वाभाविक है आपका मन ही जो है आपके साथ नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी आज्ञा प्रभावी नहीं होगी। तो मन जितना शुद्ध होगा सजीव होगा शक्तिशाली होगा आपकी आज्ञा उतनी समाज में प्रभावी होगी और आप किसी को भी आदेश दे सकते हो। इवन जो है आप जो है जो अभौतिक है पेड़ वृक्षों को भी आदेश दे सकते हो, खूब फल हो फल जाएंगे हो। ये शक्ति हमारे पूर्वजों में थी। मैंने मेरे गुरुजी के गुरुजी देखा, उन्होंने कहा बिच्छू मक्खी मकड़ी सांप बिच्छू केकड़े सारे नकारात्मक जीव बाहर निकलो, निकल गए सब बाहर चले जाओ इस खेत से दूर, दूसरे खेत में चले गए। तो आप जो है किसी भी जीव को आदेश दे सकते हो। आपका मन जितना शुद्ध सजीव, आपकी बुद्धि जितना ज्यादा शुद्ध और सजीव रहेगी शक्तिशाली रहेगी उतना आपका सहस्रार चक्र सक्रिय रहेगा, है ना, और आप जो है उतनी चीज को धारण कर पाएंगे, उतनी चीज को वो जो है जैसे क्या होता है हम जैसा सोचते हैं वैसा शिष्य सोचने लग जाए तब शिष्य को जो है गुरु से मुक्ति मिल जाती है, वो खुद ही गुरु हो जाता है। तो जैसा जैसा वो गुरु था वैसे ही शिष्य हो गया तो गुरु भी पूर्ण हो गया और आगे भी जा सकता है। तो धारणा, हम जो है गुरु के जैसे बन सकते हैं, हम किसी भी के शरीर को धारण कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा, और अहंकार यानी डीएनए बीज कोष बनता है, ये मैंने बताया। अभी जो है आज हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मैं डीप में लेके जाऊंगा और कि कैसे ये प्रकृति बनी है, थोड़ा सा इसको समझ लें तो हम जीवन शैली विज्ञान को अच्छे से समझ लेंगे। ये प्रकृति बनी सात ऊर्जाओं से। पहली ऊर्जा है शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी जो सूक्ष्म कण है, जो एनर्जी की तरह है, बाकी एनर्जी तो तरंग है, ये थोड़ा सा कण है। जैसे प्रोटॉन एक चमकदार कण होता है ना, वैसे प्रोटॉन को भी बनाने वाला और हाइड्रोजन को भी बनाने वाला, सारे कण सारे पदार्थों को बनाने वाला, सारे अणुओं को अणु और ग्रहों को बनाने वाला जो कण है वो है शैलपुत्री, जो इस तरह से चमकदार कण है। और इस कण को 1987 के आसपास सत्येंद्रनाथ बोस ने सोचा बताया और 2005 में इस कण को जो है हिंग्स महोदय ने खोजा, जिसे हिंग्स बोसान कण कहते हैं। दरअसल ये कण नहीं है, ऊर्जा है, और ये ऊर्जा शैलपुत्री है। शैल यानी पत्थर की बेटी। तो ऐसी ऊर्जा जो पत्थर की तरह चमकदार है, पत्थर की तरह है और चमकदार है, तो ये पहली ऊर्जा जो है शैलपुत्री है। दूसरी ऊर्जा ब्रह्मचारिणी, जो सारे जो है सारे शैलपुत्री से बने हुए ग्रहों को पकड़ के रखता है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति देता है। तीसरी है चंद्रघंटा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो ऐसे ऐसे चलती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और जहां तक ये वायु की स्थिति, जहां तक वायु वहां तक चंद्रघंटा गमन करती है। तो तीसरी ऊर्जा है चंद्रघंटा। हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा नाम दिया, जिसका आकार चंद्रमा की तरह हो और जो किसी से टकराने पर घंटी बजाती हो, चंद्र घंटा। हमारा मोबाइल जो है जो बजता है, मोबाइल की घंटी बजती है इसी ऊर्जा के कारण बजती है। आधुनिक विज्ञान ने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहना और चंद्र घंटा दोनों में से कौन सा नाम अच्छा है, तो स्वाभाविक कहेंगे जो चंद्रमा की तरह और जो घंटी बजाती हो चंद्र घंटा। कितना हमारे पूर्वजों ने इस ऊर्जा को देखा इसलिए ऐसा नाम दिया। कुष्मांडा यानी जो पूरे ब्रह्मांड को जो है आकार दे दी, ब्रह्मांड की आकार दे रही है कुमड़े की तरह कुष्मांडा, ये चौथी ऊर्जा है, प्रोटेक्ट कर दी पूरी जो है तीन ऊर्जाओं को। और हमारा जो शुक्राणु अंडाणु होता है वो भी कुष्मांडा के जो है उससे प्रोटेक्ट होता है, इसीलिए जो है जब तक अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलते तब तक वो कुष्मांडा के यानी उस गोलाकार के अंदर ऊर्जा होती है, और शुक्राणु अंडाणु के मिलने पर तीन ऊर्जा विशेषकर ब्रह्मचारिणी की शक्ति आकाश तत्वों के द्वारा और नए जीवन का सृजन होता है। जो मैंने इधर बताया कि अगर गगन तत्व जो है प्रकट होगा तो प्राण उत्पन्न हो जाएगा, तो ये चौथी ऊर्जा शुक्राणु अंडाणु को लेके जाती है और ये तीन ऊर्जा वहां उत्पन्न होते हैं, और ये दूसरी ऊर्जा ब्रह्मचारिणी की मदद से
और तीस पांचवी ऊर्जा का उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं स्कंद माता, जो जीवन देती है और प्राण की उत्पत्ति करने वाली। इसलिए नौ ऊर्जाओं में केवल इसी ऊर्जा को माता कहा है, है ना, स्पष्ट तौर पर माता कहा है। भाई माता ऊर्जा तो हमने सबको माता बोलते हैं, शैलपुत्री माता यानी दुर्गा माता हम जो बोलते हैं, पर इसके माता स्कंद माता माता बोलेंगे इसको, यानी ये जीवन की उत्पत्ति करने के लिए उत्तरदायी है पांचवा। ठीक है, तो ब्रह्मांड यहां तक बन गया, फिर जीवन उत्पत्ति होगी, फिर कौन सा जीव किस जीव के द्वारा ऊर्जा लेगा, जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य जीवनम, यानी कौन सा जीव किस जीव से जीवन लेगा, ये काम इस ऊर्जा ने किया था त्यागी। जैसे हम प्रोटीन लैक्टोबेसिस देगा पौधे को, एक्टिनोमाइसिटीज जो है कार्बन की रचना खड़ा करेगा मिट्टी में, पौधे की कार्बन रचना एक्टिनोमाइसिटीज खड़े करेगी, हमारे शरीर की कार्बन रचना लैक्टोबेसिस खड़ी करेगी। तो कौन सा जीव किस जीवाणु से शरीर बनाएगा, इसलिए क्या होता है कि आपका ये जो ये गीदड़ जो होता है वो सड़ा हुआ मांस इसलिए खाता है क्योंकि सड़े हुए मांस में उसको कात्यायनी की ऊर्जा मिलती है, जीवन निर्माण की इकाई मिलती है कात्यायनी ऊर्जा, कांतने वाली। इसलिए इसको जैसे हम जो है हमारे घर में कांतते हैं ना, ऐसा खाट एक दूसरे से ये खाट पूरा कांतते हैं, कोई धागा किसी से टकराता नहीं है, तो ये पूरे जो है ये कात्यायनी प्रकृति के निर्माण को कांत दी। कौन किस जीव से ऊर्जा लेगा, जीवो जीवस्य जीवनम की प्रक्रिया पूरी कर दी, और इस प्रक्रिया में कोई जीव किसी जीव से टकराता नहीं है, कोई किसी मतलब जो है जो अगर जो है शेर मारकर मांस खा रहा है किसी जीव को तो उसके वो जीवो जीवस्य जीवनम का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन हम अगर खा रहे हैं या कोई और जीव अगर खाने लग जाए तो हम प्रकृति में हिंसा करेंगे। शेर मारकर खा रहा है हिंसा नहीं होगी, चींटी जो है फफूंद चाट रहा है हिंसा नहीं होगी, केचुआ जो है केचुआ भी मांसाहारी जीव, वो मिट्टी खाता है नीचे जाते है और मिट्टी ऊपर निकालता है, वो हिंसा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो केचुआ भी मांसाहारी जीव है। तो ये जिसको जो चीज क्या खाना है वो इस ऊर्जा ने तय किया, और इस ऊर्जा ने प्रकृति इकोलॉजी बना दी। कैसे बनाई, ऐसी इकोलॉजी बनाई जो है सूक्ष्म जीवाणु पेड़ों को दोगा, पेड़ जो है पत्ते निकालेगा, पत्तों को पत्ते खाने वाले जीव, पेड़ फल निकालेगा फल खाने वाले जीव, और फूल निकालेगा तो फूल खाने वाले जीव, फिर शाकाहारी जीव को मांसा। इकोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र, ये पारिस्थितिक तंत्र इसी ऊर्जा ने बनाई है। तो यहां तक पूरी प्रकृति का निर्माण हो गया। सातवीं ऊर्जा है कालरात्रि, कालरात्रि यानी जिसने प्रकृति के निर्माण में काम किया, यानी प्रकृति जैसे कालरात्रि ने, अभी आगे मैं एक स्लाइड में समझाऊंगा कि महाकाली ने कैसे प्रकृति के निर्माण में सारे अणुओं को और सारे जो है ब्रह्मांड को स्थिर कर दिया, महाकाल को जो है ऊर्जा दी प्रकृति को पकड़ने की। तो ये अगले स्लाइड में अच्छे से आपको बताऊंगा, इसने ब्रह्मांड की रचना को पूर्ण कर दी महाकाली ने। और महागौरी ने गाय, महागौरी यानी गाय, तो महागौरी जो है वो ये सात ऊर्जाओं ने प्रकृति बना दी, और जब प्रकृति फलने फूलने लगी तब ये सात ऊर्जा खुद जो है इस प्रकृति में आई गाय के रूप में। तो गाय जो है इस प्रकृति का फल है जिसके अंदर बीज छुपा है, तो ये गाय के ही द्वारा हम क्या करते हैं कि जो है अग्निहोत्र, गाय से हम जो है कंडे लेते हैं, उससे घी लेते हैं और पुनः इन सब ऊर्जाओं को प्रकट करते हैं। तो महागौरी यानी गाय इन सब ऊर्जाओं का फल है जिसके अंदर सातों ऊर्जा बीज स्वरूप में विद्यमान है। इसलिए गाय को एक शब्द कहा गया गौ विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता कहा गया। क्यों, क्योंकि गाय ने ये सातों ऊर्जा को निकाल दी, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी और कालरात्रि, और पूरा विश्व फिर से बन जाएगा। तो गाय इसलिए विश्व की माता है। और जो ये नवी ऊर्जा है ये सिद्धिदात्री योग है, सिद्धिदात्री किस ऊर्जा के मिलने से क्या जो है योग बनेगा। तो ये सिद्धिदात्री ने सात ऊर्जा सात ऊर्जाओं को लेकर के 64 योग बनाए, और चूंकि ये ऊर्जा के योग थे और इसलिए महिला थे, मतलब
प्रकृति रूप में थे, नारी रूप में थे, इसलिए इनको योगनी कहा। तो ये सात ऊर्जाओं का योग योगनी, 64 योगनी का निर्माण इसने किया। इसके अलावा 64 योगनी में फिर आता है गायत्री माता, जिसने जो है जिसने ये सिद्धिदात्री योग को हर जगह प्रकट करने में स्थापित की, वेदों को स्थापित की, ठीक है। और इसी से वेदों का उत्पन्न हुआ। वेद यानी प्रकृति बनने के नियम, वेद कोई पुस्तक नहीं है, प्रकृति बनने के नियम उत्पन्न किए। और इस तरह से जो है, और ये नवी ऊर्जा एक्सिस भी है, धुरी है, सब ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा इसके अंदर है और इसी से निकलती, ये एक्सिस है। एक्सिस यानी ये जो ऐसे ऐसे मैंने बताया, ये एक्सिस है, एक्सिस, ठीक है। ये छठी भी ऊर्जा जो है, ये समझिए अंदर की ओर, छठवीं ऊर्जा जो है अंदर की ओर यात्रा करती है, तीसरी ऊर्जा बाहर की ओर यात्रा करती है। और इस तरह से ये अपने जो है इधर के ऊर्जाओं को पकड़ बनाती है, ये पहली दूसरी और चौथी ऊर्जा को ये पकड़ बनाती, तीसरी ऊर्जा। और इस तरह से ये जो है इस पूरी प्रकृति के दो आयाम बनते हैं। एक ये जो है ऊर्ध्व गति का, ये जैसे हमारी धरती है, तो एक की ऊर्जा इधर निकल रही है, ये ऊर्ध्व गति है, और एक की ऊर्जा यहाँ से नीचे की ओर जा रही है, अधोगति। तो ऐसे तरह इधर अधोगति की ऊर्जा, इधर ऊर्ध्व गति की ऊर्जा आती है, ये अगले चित्र में मैं बताता हूँ। और ये जो एक्सिस है, ये जो है यहाँ पर सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके और ये पंच महाभूत बनाती है। ये पंच महाभूत है, ये भूमि तत्व है, ये गगन तत्व है, ये वायु तत्व है, ये अग्नि तत्व है, और ये नीर तत्व। कैसे बनाते हैं आगे स्लाइड में हम देखते हैं कि अभी जो है 64 योगनियों ने और सात ऊर्जाओं ने मिलकर के सबसे पहले बनाया जो है प्रोटॉन। ये है प्रोटॉन, ये जो आप देख रहे हैं हरा वाला, ये प्रोटॉन है। इसके जो है इसमें दो बिंदु हैं, ये प्रोटॉन है, इसमें जो है कुछ बिंदु हैं ऐसे, तो ये जो है छोटे छोटे कण हैं जिसको आधुनिक विज्ञान ने पहचाना। प्रोटॉन के अंदर भी जो है अलग अलग जो है छोटे छोटे कण होते हैं, और उन कणों से ये जो रचना हुई। और ये है इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की ओर है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहता हूँ, न्यूट्रॉन, हाँ मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, वापस मैं आता हूँ। ये जो ऊपर की ओर है, ये जो ऊपर की ओर है, ये प्रोटॉन है, और ये जो नीचे की ओर यात्रा कर रहा है इस तरह से, ये न्यूट्रॉन है। तो इसको कहा गया पुरुष और इसको कहा गया प्रकृति। ये दोनों ने मिलकर के, शिव और शक्ति, इन दोनों ने मिलकर के, शुरुआत में शिव और शक्ति, इन्होंने मिलकर के और इस तरह से जो है प्रकृति का, ये देखो ये निर्माण हो गया। ये दोनों मिले और इस तरह से निर्माण हुआ। और इसी निर्माण के साथ जो है ये पुरुष और प्रकृति के मिलने से ये जो है एक परमाणु की संरचना खड़ी हुई, जिसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। और इसी से पूरी संरचना है, ये तीनों संरचनाओं ने मिलकर के, ये देखिए ये छह संरचना, यानी ये जो है ये तीन जो है ये मिले और ऐसे जो है छह फलक बने ऐसे। अभी देखिए इसमें छह फलक हैं, ये थोड़ा आगे और दिखाता हूं मैं कैसे छह फलक हैं। ये देखिए ये फर्स्ट है फलक, ये फर्स्ट, ये वाला गया सेकंड, ये आया, ये सेकंड फलक है भाई, ठीक है सेकंड। फिर ये तीसरा फलक है, फिर ये चौथा फलक है, और फिर ये जो है ये पांचवा फलक है। इस तरह से जो है, और एक दो तीन चार पांच, और ये जो है ये मिलकर के और छह फलक का निर्माण ये करते हैं। जैसे परमाणु जो है उसका छह भाग छह फलक होता है, ऐसे छह फलक का निर्माण होता है। किसी भी परमाणु का आकार जो है वो छह भाग में होता है, ठीक है। तो ये पंच महाभूत, और इसके अंदर भी आप देखिए पंच महाभूत को अभी जितना हम बड़ा करते जाएंगे उतना इसका आकार जो है बड़ा होता जाएगा, इतना आकार जो है इसका
बड़ा होता जाएगा। ये देखिए और बड़ा हमने किया, ये और बड़ा किया। जैसे जैसे इसको बड़ा करेंगे वैसे वैसे इसका आकार बढ़ता चला जाएगा। इसके अंदर के अंदर यानी इसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर जो है दूसरा पंचमहाभूत का निर्माण हो गया, इसके अंदर तीसरा पंचमहाभूत का निर्माण हो गया, इसके अंदर जो है ये चौथे पंचमहाभूत का निर्माण हो गया। ऐसे ये पंचमहाभूत अणु संरचना सूक्ष्म होती जाती है, इसको समझना बेहद जरूरी है बंधु। हमारा जो हाइड्रोजन है ठीक है, उसके बाद हीलियम है, फिर लिथियम सबसे बड़ा आकार है परमाणु का, लिथियम LES है, इसकी तीन परमाणु क्रमांक जो है इसमें क्रमांक है, और इस ये सबसे बड़ा है। और जो है हाइड्रोजन है जो है, और ऐसा हीलियम है, लिथियम है, इन्हीं तीन परमाणुओं से मिलकर के पूरा सूर्य बना है ठीक है, हाइड्रोजन से ही। तो सबसे छोटा परमाणु सबसे बड़ा है। अब जो सबसे बड़ा परमाणु आगे बढ़ते जाएंगे यूरेनियम तक, उसका आकार छोटा होता जाएगा। अब ये जो सबसे छोटा इसके अंदर परमाणु का जो है इसमें 92 जो है इसकी इसमें अणु संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और इस वजह से इसकी जो है इसका आकार सबसे छोटा है, लेकिन ये सबसे भारी धातु है ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें ऊर्जा है, सबसे ज्यादा ऊर्जा है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक ग्राम इलेक्ट्रॉन जो है लाखों करोड़ों रुपए में मिलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है। और इसलिए परमाणु बम बनाने में या न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है वो यूरेनियम का उपयोग होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। तो वो सबसे सूक्ष्म है और उसका उसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा है। तो ये जो है जैसे जैसे परमाणु छोटा होता जाता है उसका आकार, उसमें ऊर्जा बढ़ती चली जाती है ठीक है। तो ये प्रकृति के इस निर्माण को समझना पड़ेगा, ये प्रकृति का नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो होते चला गया ठीक है। और ये नैनो कैसे होता है ये आपको मैं बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये भी इसको भी समझना बेहद जरूरी है। ये अणु है, अणु जो है एक, जब एक अणु जो है वो सिंगल होता है, एक है उसकी आकार उसका बड़ा होता है। जैसे ही वो जो है उसकी संख्या बढ़ती चली गई, वो छोटा आकार में वो छोटा होते चला गया, 0.5 है, फिर उसका जो है आधा हो गया, फिर उसका आधा हो गया, और यानी उसके अंदर भार की संख्या ये बढ़ती चली गई, ऊर्जा जो है ऊर्जा बढ़ते चले गए कि ऊर्जाओं का क्रम बढ़ता चला गया, वो छोटा चला। तो अणु जो है अंदर की ओर यात्रा करता है ठीक है, और जैसे जैसे अणु अंदर की ओर यात्रा करता है उसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। आधुनिक विज्ञान इसको बोलता है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्निक बोलता है, नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। और इसराइल नैनो टेक्नोलॉजी के खाद उपयोग करता है, इसलिए उनके यहाँ 40 गुना टमाटर होता है, वो नैनो फर्टिलाइजर यूज करता है ठीक है। हमने ये नैनो फर्टिलाइजर जो है हमने भी बनाया है। अब इसराइल का नैनो टेक्नोलॉजर 1500 रुपए लीटर आ रहा है, हम जो है 50 पैसे पर लीटर में नैनो टेक्नोलॉजी का फर्टिलाइजर बना दिया। किससे बनाया? प्रकृति की मदद से। और हमारा रिजल्ट भी ये 1500 रुपए से ज्यादा आता है। हमने जो है जीवाणुओं के द्वारा इन अणुओं को तोड़ा, और तोड़ते तोड़ते हमने जैसे ही अणु टूटता जाएगा उसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी और उसमें ऊर्जा भी निकलती है। तो ये जीवाणु बाहर की ओर यात्रा करते हैं। आप देखिए सबसे सूक्ष्म जो जीवाणु वो अंडज कहलाता है, ये टिश्यूज के अंदर रहता है, टिश्यूज के अंदर। मैं जब जीवाणु का विज्ञान आएगा तो बताऊंगा। फिर जो है द्विदज, ये 2 का 4 होता है, 4 का 8, 8 का 16 ऐसा होता जाता है। फिर उसके बाद जरायुज, और फिर जो है निस्वेदज और जरायुज। तो जीवाणु दुनिया को बनाते हैं, संरचना खड़ी करते हैं। जो पेड़ इतना बड़ा बन गया ना, वो जीवाणुओं के कारण बनता है, कि जो है 100 कुंटल का 1000 कुंटल का बड़े बड़े आम और बरगद के पेड़ बन गए, वो जीवाणु बनाते हैं। तो जीवाणु जो है अणुओं को जोड़ने का काम करते हैं, जीवाणु सूक्ष्म करके ऊर्जा निकालने का काम करते हैं, जीवाणु जो है प्राण ऊर्जा को स्थिर रखने का काम करते हैं, उसको प्राण तत्व जीवन तत्व देते हैं। इसलिए जो है पूरी प्रकृति जीवाणुओं के संरचना पर आधारित है। तो हमें अणु चाहिए तो जीवाणुओं के पास जाना पड़ेगा, तब अणु मिलेगा।
तो इसलिए जीवाणु विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। मैं कुछ क्या है, ये काफी बड़ा विज्ञान है, मेरी आने वाली किताब आ रही है वृक्षायुर्वेद विज्ञान, उसमें इसका मैंने व्यापक तौर पर वर्णन किया है। आपको बस मैं इसकी छोटी छोटी एक झलक दिखाना चाहता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। अभी एक और चीज है, ये प्रकृति जो है दो इसकी ऊर्जा है जो मैंने बताया था धरती में, एक अधोगति इधर नीचे जा रही है और एक जो एक्सिस है, ये जो सिद्धिदात्री एक्सिस है जिसकी ऊर्जा यहाँ पर है, ये यहाँ से ऊर्जा जो है दो तरह से निकलती है, एक तो इधर की ओर निकलती है जो आपने देखा होगा ऐसी, और एक जो है इधर से नीचे की ओर जाती है, यहाँ से निकल के, तो नीचे से निकल के ऊपर की ओर जा रही है, ये ऊर्ध्वगति की ऊर्जा है, कहीं लिखा होगा आपने, हाँ ये लिखा है ऊर्ध्वगति की ऊर्जा है। ये ऊर्ध्वगति की ऊर्जा भी ये पंच तत्व बनाती है और मन बुद्धि और अहंकार मिलकर के अणु बनते हैं, और अणु जो है जीवाणु उसको अणु को जोड़ता है, और जोड़ने से पेड़ पौधे हाथी घोड़े और जिराफ निकल गए, पूरी प्रकृति बन गई। ऐसी अधोगति की ऊर्जा भी पंच तत्व बनाती है, और इन जैसी इस पंच तत्व का जो रूप रंग गंध हमारे लिए अच्छा होगा ऊर्ध्वगति का, और अधोगति का जो रूप रंग गंध स्वर स्पर्श पंच तत्वों का जो गुण है पंच महाभूतों का, वो बुरा लगेगा हमें, खराब लगेगा, यानी इसका रंग दुर्गंध, इसका रंग खराब लगेगा, इसका गंध खराब लगेगा। तो ये अलग अलग प्रकृति, प्रकृति में इस पूरी प्रकृति में दो प्रकृति है, एक अधोगति की एक ऊर्ध्वगति के। पश्चिम के जितने पेड़ हैं वो ऊर्जा सोखने वाले हैं, अधोगति के हैं ऊर्जा सोखने वाले, इसलिए उनमें पतझड़ नहीं आता। हमारे इसमें एक साथ पतझड़ आता है हमारी ऊर्जा में, उसमें तो एक एक पत्ते गिरते रहते हो हमेशा हरे भरे। उन पेड़ों में हमारे यहाँ के पशु पक्षी घोंसला नहीं बनाते क्योंकि वो निगेटिव पेड़ हैं। तो इस तरह तरह से निगेटिव अणु जीवाणु पेड़ पौधे सब बनते चले गए। यहाँ की गाय जर्सी गाय है, ये भी दूध देती है, और हमारे यहाँ की गाय जो है वो काम, उसको हमने गाय कहा, यानी काम धेनु गाय, और इधर की गाय ये भी गाय दूध देती है, लेकिन इसका दूध गोबर गोमूत्र और घी आप जो है हाथ में रखोगे ताकत घट जाएगी, दूध पियोगे ताकत घट जाएगी, घी को चुपड़ लो ताकत घट जाएगी। तो इधर की गाय जो है इसका रूप रंग गंध स्वर हमारे लिए अच्छा नहीं, और संभवतः इसी गाय के डकार के कारण ओजोन की परत नष्ट हो रही है, ऐसा कुछ R&D आया, हमारी गाय के डकार के कारण नहीं आता है, इससे तो प्रकृति का निर्माण होता है, इसकी तो श्वास में ऑक्सीजन निकलता है, ये प्राचीन मान्यताएं थी, धीरे धीरे इन पे जो है हो रहा है। तो इस तरह प्रकृति के दो भाग हैं, हमें हमेशा इस भाग में रहना है, हमें हमेशा इस भाग के आधार पर जो है जीवन देना, हमें हमेशा ऊर्ध्वगति में रहना। इसलिए भारत के प्राचीन विज्ञान में समुद्र लंघन को पाप माना जाता था, समुद्र लंघन, समुद्र को लांघना पाप माना जाता था कि नहीं जाना उधर, वहां सब अधोगति है, यहाँ के शब्द भी अधोगति के हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सब कहा गया कि हम जो है यही रहेंगे, इसी भाग में रहेंगे और पूर्वी भाग में रहेंगे, हम भारत देश में ही रहेंगे, विदेश की जो यात्रा कर रहा है वो पाप कर रहा है, ऐसा अवधारणा भारत में पहले इसीलिए था क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे, और हमारे पूर्वजों ने जितने भी बीज बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जितने भी त्योहार बनाए, जो 16 संस्कार बनाए, इसी ऊर्जा को ध्यान में रख के बनाए कि ये ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश ना करे, और इसीलिए उन्होंने जो है पांच तरह की निगेटिविटी की बात की, मैं आगे चल के करूंगा कि पांच तरह की निगेटिविटी इस ऊर्जा से आती है, उनसे बचना, ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा और उसका कैलेंडर बनाया बकायदा, वो कैलेंडर मैं आगे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो है काल रात्रि ने कैसे पूरी प्रकृति को, ये जो काल रात्रि है जिसके स्वरूप को हमारे पूर्वजों ने महाकाली कहा, आधुनिक विज्ञान इसको डार्क मैटर कहता है, डार्क मैटर यानी डार्क एनर्जी कहता है, डार्क एनर्जी यानी महाकाली कहता है, हमारे पूर्वज ने महाकाली, अभी देखो पूरा ये महाकाली, ये सब पूरे महाकाली है, सब तरफ महाकाली के अंश हैं, ये मैं आंख बना देता हूँ, ये महाकाली जीवित है, पूरी प्रकृति को देख रही है, ये प्रकृति कैसे चल रही है, और महाकाली केवल देख रही है, प्रकृति चलाने का अधिकार महाकाली ने ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया है, यानी प्रोटॉन
न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनको दिया हुआ है, सूक्ष्म कणों को दिया हुआ है कि तुम प्रकृति को चलाओ। महा प्रोटॉन यानि महेश, न्यूट्रॉन यानि विष्णु और इलेक्ट्रॉन यानि ब्रह्मा, इनको दिया हुआ है काम। लेकिन जब पूरी प्रकृति में कलयुग के अंतिम चरण में क्या है कि जब पूरा सब असहाय हो जाएंगे, पंच महाभूत जो है असहाय हो गए, उनके हाथ पैर आंख कान नाक कट गया, हृदय निकल गया, ये भी असहाय हो जाएंगे, तो सारी ऊर्जा महाकाली अपने हाथ में ले लेगी। और वो दौर अब शुरू हो रहा है। और जब महाकाली ऊर्जा हाथ में ले लेती है तो कहते हैं सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा। आप सुमरण करोगे और गंगा माता आपके गिलास में आ जाएगी, जो मैं प्रयोग करके दिखाता हूँ। आप मिट्टी को भूमि, भूमि का स्मरण करोगे, जैसी प्रणाम करोगे भूमि तत्व तो प्रकट हो जाएगा। लेकिन वो सूक्ष्म है, ये सारे तत्व तो सूक्ष्म है, इसीलिए दिखाई नहीं देते, प्रकट तो हो जाएंगे। आपकी आंखें नहीं है, ये हमारा दोष है। तो ये प्रशिक्षण में मैं ये बताता हूँ कि कैसे आप पंच महाभूतों से बात करोगे, कैसे नदियों से बात कर सकते हो आप, ठीक है, कैसे आप जो है तुलसी माता से बात, आप पौधों से कैसे बात कर सकते हो, पानी से, हवा से, मिट्टी से कैसे इनकी प्रार्थना कर सकते हो, ये सब जो है आज ऐसे जो जो लोग इस कार्य पे लगे हैं अभी भारत के अंदर और विदेशों में भी कुछ ऐसे सिद्ध योगी हैं जो लगे हैं, जो इनके बात करने में एकदम तज्ञ हो गए। मैंने थोड़ा सा प्रयोग किया है और मुझे भी सफलता मिली है, जो मैं प्रशिक्षणों को मैं सिखाता भी हूँ, मैंने कई किसानों को सिखाया भी है। तो इस तरह से महाकाल ये है, इन्होंने जो है 21% का ये महाकाल का निर्माण किया। ये महाकाल, ये 21% है पूरी प्रकृति का। ऊपर कहां तक विष्णु जी जो है वो ऊपर ब्रह्मा जी गए, नीचे विष्णु जी गए, दोनों को था नहीं मिला, इतना बड़ा जो है महाकाल है, जिनने कई ब्रह्मांडों को अपने जो है इस काल में बांधे रखते। ये जो दिख रहा है आपको ये महाकाल की भुजाएं हैं, काल हैं, ये भुजाएं हैं, सब महाकाल की भुजाएं हैं। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये काल हैं। और इस काल के एक काल यानी ब्लैक होल, और इस काल में जो है एक ब्लैक होल में हमारा सौर मंडल है, एक ब्लैक होल में हमारा पहले तो आकाश गंगा है, और उस आकाश गंगा का एक भाग है सौर मंडल, और उस सौर मंडल की इस एक धरती में हम यहाँ रहते हैं, ठीक है, यहाँ रहते हैं। तो इस तरह से पूरा विश्व को इसने जो है महाकाली ने रचना की। 70% महाकाली है, 21% महाकाल है, 4% मैटर यानी देव है, जिसमें हम तुम सब आते हैं, जो कार्बन है 4%, ठीक है, जो पॉजिटिव जो है अणु हैं, और जो एंटी मैटर वो 4% है। एंटी मैटर ये आधुनिक विज्ञान का शब्द है, प्राचीन शब्द था दानव। 4% मैटर यानी देव है, 4% एंटी मैटर दानव है, और 1% आधुनिक विज्ञान कहता है अज्ञात है, प्राचीन विज्ञान तो इस पर कुछ बोलता नहीं है। पर ये भी जो है इस तरह से पूरी प्रकृति में अणु की रचना हुई है। अब इस अणु को जो है प्रकट करने का काम ये गाय कर, ये प्रकट इस जो है अणु और जीवाणुओं को अपने अंदर रखने का काम गाय करती है। और ये बीज है, यहाँ सब है, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सब तरह के देव हैं, सब है इनके पैरों में, नाग किन्नर सब कुछ है इनके, सब है। तो ये जो है हमारे, हमारी गाय के अंदर ये सारे जीव हैं, सारे हैं। इवन जो है इसके गौमूत्र में धन्वंतरी है, गोबर में महालक्ष्मी है, लक्ष्मी है। तो ये जो है जीवों की उत्पत्ति करती है, और ये जो कंडे देती है और जो चावल और घी देती है, इससे हम अग्निहोत्र करके सब ऊर्जाओं को प्रकट करते हैं। ये मैंने पिछले सत्र में आपको बताया है कैसे प्रकट करती हैं। ये जो है इसमें आप देखिए कि ये जो है ये सात ऊर्जाएं कैसे, ये जो है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी ने और चंद्रघंटा ने ब्रह्म ऊर्जा बनाया, और ये जो है ये ब्रह्म ऊर्जा प्लस, और कुष्मांडा स्कंद माता ने न्यूट्रॉन यानी विष्णु ऊर्जा बनाया, और ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा, फिर ये शिव ऊर्जा की उत्पत्ति हुई कालरात्रि महागौरी से, और इस तरह से इन्होंने ये पंच महाभूत बनाए, ठीक है। और पंच महाभूत भूमि तत्व और गगन तत्व मिलके पृथ्वी तत्व बना, भूमि तत्व गगन तत्व मिलके ये पृथ्वी तत्व बना, और वायु तत्व अग्नि तत्व मिलकर ये बादल बने, और ये पृथ्वी और बादल मिलकर के ये प्रकृति की रचना ऐसी हुई, ठीक है। हाँ, मतलब वायु तत्व, अग्नि तत्व और नीर तत्व तीनों मिलके बादल बने। तो तीन तत्व ये, दो तत्व भूमि और गगन तत्व, माता तत्व, पिता तत्व,
ठीक है, प्राण तत्व स्फूर्ति और जीवन तत्व मिलकर के प्रकृति बनी, ऊर्जा उसमें ऊर्जा अणु पदार्थ और जीवाणु चार पहिए हैं, ये चारों पहिए बराबर चलने चाहिए तब जीवन का निर्माण होता है इस पर भी। और मनुष्य का कर्म क्या है, मनुष्य का कर्म को समझना जरूरी है। मनुष्य का कर्म है इन जो है पंच तत्वों को शुद्ध और सजीव रखना ताकि इकोलॉजी हमेशा स्थिर रहे, इकोलॉजी नष्ट ना हो। इसलिए मनुष्य को इतनी बुद्धि दी गई कि वो विश्व की माता जो है गाय उसका पालन करे, अग्निहोत्र करे, सप्त ऊर्जाओं को प्रकट करे और पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव करे और बीज बनाए, जो हमारे पूर्वजों ने बीज बनाए उनका संवर्धन, ये तीन ही काम है कृषि के। जैसे हर जीव के काम है वैसे मनुष्य के काम है, तो ये जो है और ये काम करके वापस से जो है मूलाधार जो है ये सात चक्र अपने शरीर में उत्पन्न करके और फिर से ये ऊर्जाओं को प्रकट करना, तो ये जो ऊर्जा है वापस यहाँ प्रकट हो गई मनुष्य के कृषि के कारण से। इसलिए इस इकोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण काम मनुष्य का है। मनुष्य ना केवल अपना पेट भरेगा, प्रकृति के हर जीवों का पेट भरेगा और इतना ही नहीं वापस से सब ऊर्जाओं को प्रकट करेगा, पंच महाभूतों को शुद्ध और सजीव करेगा। तो ये ऊर्जा चक्र है, मैं फिर से कभी इस पर और चर्चा करूंगा, व्यापक चर्चा इसमें भी होगी। और यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे। अब आगे बढ़ते हैं मनुष्य का, कि मनुष्य का जो शरीर है वो शरीर जो है जैसी प्रकृति है वैसे है, यत जैसी हमारा पिंड है वैसा हमारा शरीर है, जैसी धरती है, धरती में जल तत्व इतना है तो इतनी मनुष्य में, आकाश तत्व 8%, भूमि तत्व 1%, यानी 100 किलो का मनुष्य मरता है उसको जलाएंगे तो 1 किलो हड्डी बचना चाहिए, वही भूमि तत्व, बाकी तो 4 तत्व हवा में वापस उड़ जाएंगे। 21% ऑक्सीजन यानी वायु तत्व मनुष्य के अंदर हमेशा होनी चाहिए और ये जन्म के साथ इतने तत्व हुए और जन्म के साथ मरते तक उसको इतने ही तत्व रखना है, जन्म और मरण के बीच में ये स्थिर रहना चाहिए। ये अगर कम ज्यादा हो गया तो मनुष्य बीमार, त्रिदोष उत्पन्न हो जाएगा, त्रिदोष वात पित्त कफ। तो इसको संतुलित कैसे रखना, यही जैविक जीवन से ही विज्ञान है कि संतुलित कैसे रखना है और इसको आगे बढ़ाना कैसे है। ठीक है, बढ़ाते कैसे हैं, मनुष्य में जो है इस प्रकृति में जो है नर और नारी है ना, प्रकृति और पुरुष और प्रकृति ये दोनों हैं, दोनों में जो है दोनों में सप्त ऊर्जाओं का डीएनए है। ये सात जो है, सात जो ऋषि है सप्तर्षि, ये सप्तर्षि ही सप्तऋषि यानी सात डीएनए हमारे इस प्रकृति में हैं। और हम ये जो है कश्यप है, पाराशर है, पुलस्त्य है, जो है जमदग्नि है, अत्रि है, ये सात जो ऋषि हैं, जो सप्तर्षि हैं, यानी सात जो है डीएनए इस प्रकृति में हैं। ये जो है पूरी पृथ्वी में सात डीएनए से ही पूरी प्रकृति बनी है। तो ये सात डीएनए में, जैसे हम कहते हैं ना अपने जो है पत्नी का संबंध सात जन्मों का होता है, अब जो है हम और हमारी पत्नी, मतलब पति पत्नी का जो बच्चा हुआ उसमें 50% है, फिर बच्चे ने दूसरे जो है कुल से लड़की लेके आते हैं और पति पत्नी बनते 25%, फिर तीसरे कुल से 12.5%, फिर चौथे कुल से 6.5%, फिर जो है वो अलग अलग कुल में आते जाएंगे 3.5 आधा, फिर ये घटते सातवीं पीढ़ी में, सात पीढ़ी में जो है ये पति पत्नी का जो डीएनए है वो सातवीं पीढ़ी आते तक नष्ट हो जाता है डीएनए। इसलिए कहा गया पति पत्नी का संबंध, अगर पति ने अच्छे कर्म किए तो इसको तो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन इसका डीएनए यहाँ रहेगा और डीएनए यहाँ जाके डीएनए को याद रहेगा कि मेरे इस परदादा ने युद्ध की कला अच्छी थी, या ये जो है कोई बहुत अच्छा काम करना सीख गया, कोई बहुत अच्छा कारीगर है, ये बहुत अच्छा कारीगर थे और इसने वो पत्थर को तोड़ने की कारीगरी की, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर ये डीएनए के अंदर ज्ञान भी संचित रहता, केवल नाक नया नक्श नहीं रहता। इसलिए हम परदादा को भूल जाएंगे, परदादा के परदादा को डीएनए नहीं भूलता। तो ये सप्त ऋषियों से ये प्रकृति की ऊर्जा आगे बढ़ती रहती है और ये मिलती रहती है। इसलिए भारत में परंपरा थी कि जब लड़की देखने जाते थे तो पिता पिता का कुल और माता का कुल
ये तो देखते ही थे, परदादे का कुल और परदादी का कुल भी देखते थे, कुछ और हुए तो उसकी भी पर जो है परा परदादी और परा परदादा इसका भी कुल देखते थे कि मैच ना हो। जितना ज्यादा ये प्योर होगा, और इसलिए कुंडली वगैरह बनाने का प्रचलन था, जितना ये प्योर होगा आगे चल के उनके नस्ल में मतलब उस जो है पीढ़ी में ज्यादा जो है ऊर्जा किस का संचार होगा। इसलिए ये परंपरा भारत में थी, ये ऐसे ही नहीं थी कि जो है कि केवल जो कि एक ही कुल में विवाह कर लेना और इस तरह से, ये जो है भारत में परंपरा इसलिए नहीं थी, इसलिए ये सब बनाए गए थे। अब जो है इसके आगे है कि प्रकृति को संतुलित ढंग से चलाने के लिए भगवान ने कहा कि मैंने चतुर्वर्ण मया सृष्टा, इस सृष्टि में मैंने जो है चार वर्ण उत्पन्न किए हैं इस सृष्टि में। ये भगवान कृष्ण के वाक्य हैं गीता के। कैसे? जो सातों डीएनए में चार वर्ण हैं, सातों डीएनए में, कश्यप में, पुलस्त में, ठीक है, जमदग्नि में, अत्रि में, और जो है पारासर में, सब जो है हर 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 जो है ऋषि में चार तरह के डीएनए थे। ये चार तरह के डीएनए यानी कौन सा? ये प्रकृति के आधार, जैसे किसी कार के चार पहिए होते, एक भी पहिया यदि जो है नष्ट हो जाए, उसका उसमें हवा निकल जाए तो कार नहीं चलेगा। ऐसे इस प्रकृति को चलाने के लिए चार वर्ण बनाए, और भगवान ने कहा मैंने बनाया, छाती ठोक के कहा भगवान कृष्ण ने गीता में, मैंने बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि एक जो वर्ण है वो प्रकृति के निर्माण की कला को जानता है, ठीक है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, उसने पूरी प्रकृति कैसे बनी है उसको रखेगा। आज जैसे ब्रह्म ज्ञानी घट गए, आप वैज्ञानिक आ गए, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं, इसलिए प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। यदि वैज्ञानिक ब्रह्म ज्ञानी होता तो ऐसे कोई खोज ही नहीं करता जो प्रकृति को नष्ट करे। इसलिए ऐसा कोई खोज ना हो जो प्रकृति को नष्ट करे, उसको देखने वाला ब्रह्म ज्ञानी होता था, वो प्रकृति का निर्माण की कला भी सिखाता था। इसलिए हमारे अजंता एलोरा में उतने बड़े मंदिर काट दिया गया, आज ऐसा मंदिर काटने वाला आज भी कोई यंत्र नहीं है दुनिया में, कि उतना लिग्नाइट और काला पत्थर को काट दिया और हवा में उड़ा दिया उसके अंश को, और वो पूरा मंदिर जो है पूरा एक सेफ है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, हर चीज परफेक्ट है। ऐसे भारत में हजारों उदाहरण है जो प्राचीन विज्ञान को बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञानियों ने बनाया, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को जानते थे, जो ब्रह्म ऊर्जा यानी परमाणु विखंडन की ऊर्जा को जानते थे। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भी होना आवश्यक है, तो उनकी बुद्धि को ज्यादा विकसित किया एक डीएनए बुद्धि को ज्यादा विकसित करता है। दूसरा डीएनए क्या करता है? प्रकृति की रक्षा करने वाले छत्रप जो है छत्र जो है शक्ति वाले, यानी जो जो प्रकृति की रक्षा करे, ऐसे जो है दूसरा डीएनए। तीसरा डीएनए है कि प्रकृति के हर जीव को भोजन दे। अभी सबको भोजन चाहिए ना, तो किसान क्या है, सबको भोजन देता है, केवल अपने पेट नहीं भरता, वो जो है पशु पक्षी चिड़िया, वो उसके दाने खेत में गिरते हैं तो अणु और सूक्ष्म अणु अंडज द्विद सबकी उत्पत्ति करता है, और ये प्रकृति को और प्रकृति बनाने वाली गाय को अपने घर में रखता है, और अग्निहोत्र करके जो है प्रकृति बनाने वाली सात ऊर्जाओं को रखता है। तो ये प्रकृति और पंच महाभूतों को पोषण देने वाला एक डीएनए, जो वह कर्म करे, जो सीधे ज्ञान न दे कर्म, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों आवश्यक है। और तीसरा है प्रकृति में सभी जो है पंच महाभूत अणु और जीवाणु इनकी जो है सेवा करने वाला, कार्य करने वाला, जो जो है इन जो है सबकी जो है सेवा करे, प्रकृति को अक्षुण रखे और उसको शुद्ध सजीव करे। तो ऐसा चौथा वर्ण भी इसी डीएनए से उत्पन्न होता है। तो एक ही पिता की चार संतानें होंगे, तो आपने देखना कोई बहुत बुद्धिमान होगा, कोई बड़ा बाहुबली होगा, कोई काम करने वाला हो, सीधे जाके व्यवसाय करता हो, खेती में लग गया और बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, और कोई बड़ा सेवा भावी होगा, सबकी आज्ञा को मानता होगा। तो एक ही डीएनए में चार चार वर्ण है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रकृति को भगवान कृष्ण ने जो है वो शुद्ध मतलब चलायमान किया कि वो गड़बड़ नहीं होगा, चलते रहेगा निरंतर। फिर आगे जो है भगवान कृष्ण ने ये वेदों का वाक्य धारयति इति धर्मा, आप जो है आपको जो कहा है प्रकृति ने वो करो। जैसे केचुए को कहा है तू मिट्टी खा, वो मिट्टी खाते रहता, वही उसका धर्म है।
शेर को कहा तू मार के मांस खा, मार के मांस खाता है ना, गिद्ध को कहा सड़ा हुआ मांस खा, सबके यम नियम आहार विहार तय है। तो धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म का मतलब है यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। यम मतलब क्या खाना, सबका भोजन तय है। नियम मतलब कैसे खाना, सबको जीवाणु युक्त खाना है। इसलिए शेर को ताजा मांस, गिद्ध को सड़ा हुआ मांस चाहिए। तो नियम, फिर पंच महाभूतों का ही आहार पूर्ण होता है, फिर इसको पचाना, फिर हर अंगों को भोजन देना, फिर ध्यान धारणा और समाधि, यहाँ जाके अंडाणु शुक्राणु बनाना या फसल बीज बनाता है, वो ये प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को प्रकृति का धर्म कहा गया है। और भगवान कृष्ण ने इतने ही नहीं कहा, नहीं, वेदों ने इतने ही नहीं कहा, आगे कहा जो है कि धारयति इति धर्म, के आगे कहा धर्मो रक्षति रक्षता। आप अगर अपना यम नियम खान पान रहन सहन और पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव ग्रहण करोगे, तो ये पंच महाभूत और आपका भोजन आपको शुद्ध सजीव और स्वस्थ रखेगा। तो कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता, आप अपने धर्म की रक्षा करो, यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि की प्रक्रिया की रक्षा करो, इस पर जियो, ये प्रक्रिया आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, इसलिए कहा गया। और इतने नहीं, भगवान कृष्ण से इससे आगे कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मे भयावह, अपने धर्म पर टिके टिके मर जाओ तो ठीक है, दूसरे के धर्म की चिंता करोगे तो प्रकृति में भयावह हो जाएगा, परमाणु मतलब भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी। जैसे शेर यदि जो है हिरण का धर्म अपना ले, घास खाने लगे तो पेड़ बहुत बढ़ जाएंगे जंगल में जो है पेड़ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सब घास खाने लग गए। तो क्या होगा कि इससे ऐसा होगा कि प्रकृति में फिर हिमयुग आ जाएगा। केचुआ अपना धर्म छोड़ दे मिट्टी खाना, तो जमीन के अंदर पानी घुसना बंद हो जाएगा, पानी नहीं जाएगा तो अंदर की सतह गर्म होगी, फिर वो जो भूकंप आएगा ज्वालामुखी आएगा। ठीक है, तो सब जीवों का आचरण तय है, वो जो आचरण है यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, वही धर्म है, और उसी को धारण करते रहो। भूखा मर जाओ लेकिन जो है हिरण शेर को नहीं कह सकते आप हिरण का धर्म अपनाओ। इसलिए प्रकृति में सब अपना धर्म निभा रहे, इसलिए वो भूखे नहीं मर रहे, वो स्वस्थ रहते। मनुष्य ने अपना यम नियम आहार विहार प्रत्याहार का धर्म छोड़ा, इसलिए मनुष्य अस्वस्थ है, भूखा भी मर रहा है। ठीक है, भूखा मरना है ना, हिडन हंगर, वो हिडन हंगर का शिकार हो गया है। ठीक है, तो अभी जो है आज हिडन हंगर मानव स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या आज के समय की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कह रहा है। वो खाना तो चार समय खा रहा है लेकिन जिंक आयरन मिल नहीं रहा है, भूखा मर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकृति में जो जीव देने का काम, जीवो जीवस्य जीवनम जो है, जीव जीव ही जीव को जीवन देता है, इसको जो है, और जंतु नाम जीवनम कृषि, यानी जंतुओं का जीवन ही कृषि है, जीवाणुओं का जीवन ही कृषि, ऐसा हमारे वेदों में जो है दो वाक्य आया है, और ये पाराशर संहिता के वाक्य हैं, कृषि पाराशर के। तो ये जो है चार तरह के मुख्य जीव हैं इस प्रकृति में, अंडज, द्विदज, स्वेदज और जरायुज। अंडज दो हैं, वो जो जिसको आधुनिक विज्ञान वायरस मानता है, वायरस तो नहीं, वो अंडज है, वो टिश्यूज बनाता है। हमारे शरीर में रोज 14 लाख टिश्यूज बनते हैं, जो हमारे शरीर में रोज सोते समय रिप्लेसमेंट होते हैं, इनका बनना जरूरी है। ये होगा तब हमारे एक एक अंग जीवित रहेंगे। तो रोज हमारे शरीर में 14 लाख आत्माएं प्रकट होके जो है अमीनो एसिड के अंदर जीवित होकर के और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो अंडज है। द्विदज यानी आधुनिक विज्ञान उसको फंगस कहता है, पर फंगस नहीं, द्विदज यानी जो एक का दो, दो का चार, चार का आठ, 16 करता है, और इसी वजह से मनुष्य बढ़ते हैं, पौधे में भी एक का दो यानी दो टहनी, चार टहनी, आठ टहनी आता है। ये जो टहनी आ रही है ना ये, और इसमें जो पत्ते आ रहे हैं दो के चार, ये जो है वो द्विदज के कारण। स्वेदज यानी जो मल मूत्र पसीने से उत्पन्न होते हैं, जरायुज यानी जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु भी और बड़े जीव भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आज थोड़ा विषय ज्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ, कोई कहीं कोई बात छूट रही हो तो आप प्रश्न लिख के पूछ लीजिएगा। फिर सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, हमको हमारे ही इकोलॉजी में रहना है, अपने ही जीवाणु, सुगंध वाले जीवाणुओं को बढ़ाना है। आपके पास सुगंध का कोई फल आएगा ना तो आपकी इच्छा होगी खा लूं, और दुर्गंध वाला फल आएगा तो इच्छा होगी फेंक दूं, तुरंत ही फेंक दोगे जिसमें दुर्गंध आएगा। तो सुगंध वाली इकोलॉजी में हम बढ़ सकते हैं, दुर्गंध वाली इकोलॉजी हमको खत्म करेगी।
इसलिए हमारे पूर्वजों ने सीधा एक वाक्य दे दिया, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, जहाँ सुगंध होगा वहाँ स्वास्थ्य होगा। ये हमारी इकोलॉजी को दर्शाता है, हम इसी इकोलॉजी के हैं, हम इस जो है पारिस्थितिक तंत्र के हैं कि सुगंध हो। इसलिए अपने घर में सबसे पहले जो है गाय के देसी गाय के सूखे गोबर के कंडे को जलाएं, ये पहला काम करें। अग्नि शुद्ध होना जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरा काम है चार मंत्र बोले, चार देवताओं को बुलाएं, अग्नि को, वायु को और सूर्य को। और फिर एक और मंत्र है, भूर भुवस्व स्वाहा प्रजापते इदम न मम, भूर भुवस्व स्वाहा, ये चौथा मंत्र छूट गया था लिखने में, प्रजापते इदम न मम, ये चार मंत्र आपको बोलना है। यानी प्रजापति को आप, यानी अग्नि को, वायु को, सूर्य को और प्रजापति को बुलाएं। तो चार मंत्र, भू स्वाहा अग्नि इदम नमम, एक बूंद घी डालें, जल जाए कंडे तब और थोड़ा सा बुझ जाए, क्योंकि अग्नि पे वो घी जल के अग्नि ना बने, उसका गंध निकलना चाहिए। भू स्वाहा वायु इदम नमम, स्व स्वाहा सूर्य इदम नमम, भूर भू स्व स्वाहा प्रजापति इदम नमम। हमने वायु अग्नि सूर्य और प्रजापति को इन मंत्रों से आह्वान किया, बुलाया, ये साक्षात प्रकट हो जाते हैं, हमें दिखाई बस नहीं देते, ये किसी प्रयोग में हमारे आएंगे तो दिखाएंगे। इसके अलावा ये जब डालने के बाद निम्न चीजों का एक बना लो, सरसों की खली ले लो, सरसों खली ले लीजिए 25%, नीम या करंज की खली 50% ले लो, क्योंकि आज जो है हमारे घरों में दुर्गंध और कीड़े ज्यादा है ना, इसलिए मात्रा में बढ़ा दे रहा हूँ। फिर हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन, लौंग, नागर मोथा, ये सब जो है कुचल के रख दे, ये 5% लो। बच की जड़ 5%, ये बच्चों में कृमि खत्म करता है, बच की जड़ का हवन करेंगे तो पेट की कृमि खत्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए जरूरी, आज हर घर में जो है सब जो है उल्टा सीधा सब खाते हैं तो सबके पेटों में कृमि है, इसलिए इसकी मात्रा मैंने 5% कर दी। बच 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 याने जो है इसको अखंड बोलते हैं मराठी में, अंग्रेजी में देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, उसमें लंबा लंबा, उसमें जैसे फूल आते हैं नीचे जड़ मोटी मोटी निकलती है, उसमें गंध आता है, तो बच की जड़ जो है लंबा लंबा ले ले, जब मिक्स करना उसी समय कट करके डाले, ठीक है। फिर मदार के सूखे फूल, इसमें कैल्शियम बहुत होता है, मदार यानी अकौवा आकड़ा। फिर जौ और घी दोनों, जौ में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, घी दोनों मिक्स कर ले, वो 5% ले। दालचीनी, राव और लाख, लाख होता है ना हमारे यहाँ होता है, लाख की चूड़ियाँ बनती है, इसमें बहुत अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, दालचीनी में सुगंधित द्रव है, ये सब डाल के हवन करो। इसके हवन करने से मक्खी मच्छर ये सब घर से भाग जाते हैं, कोई जरूरत नहीं वो ऑल आउट चलाने की। और ये जहाँ हवन करके हम सोएंगे तो बड़ी सुकून की नींद आती है, तो ये सारा मिश्रण कर लो। और मिश्रण करके अभी हमने एक जो है बहुत अच्छा ऐसा बनाया, एक ऐसी जो है इसकी कटोरी मैं अपने गांव में बनवा रहा हूँ, किसकी, आपकी ये गोबर की, और नीचे जो है चार उसके स्टैंड लगा दे रहे हैं, नीचे एक जो है धूप बत्ती रखते हैं, और ये धूप बत्ती को हम जो है ऐसे धूप बत्ती रखते हैं और इसको प्रज्वलित कर देते हैं, तो ये धूप बत्ती के कारण ये धीरे धीरे जलते रहता है और ये बढ़िया सुगंध पूरे घर में फैलता है। तो इस तरह से जो है अभी हम एक सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का किट भी बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं, ये भी जला लेंगे, क्योंकि आज का मनुष्य तो सुविधाएं चाहिए उसको, ये सब बना बुनाया चाहिए, सब चाहिए, जला ले बस, माचिस मारे काम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अभी हम ये सब डेवलप कर रहे हैं, दिखाएंगे आपको आगे चल के। फिर ये सुगंधिम पुष्टिवर्धनम के आगे यज्ञ कृषि कल्पताम, आपको जो है दो तरह के यज्ञ हैं, एक है नैमित्तिक एक निमित्त, तो ये निमित्त यज्ञ है सोम यज्ञ अश्वमेध यज्ञ है ना, और नित्य यज्ञ अग्निहोत्र, ये प्रतिदिन सबको करना चाहिए, ये करेंगे तब हमारे खेत में कल्पताम यानी कल्प वृक्ष की तरह जो है यज्ञ करेंगे तो कल्प वृक्ष की तरह कृषि फलेगी फूलेगी। इस पर किसी अलग से मैं पूरा चर्चा कर लूंगा, काफी बड़ा है, निश्चित आकार का पात्र चाहिए, समय चाहिए, समय के लिए हमने एक ऐप बनाया है, बहुत अच्छा हमने बनाया, किसानों ने ऐप बनाया और इंटरनेशनल स्तर का ऐप बनाया, सोल फार्मर, ठीक है, सोल किसान ऐप या सोल फार्मर लिखोगे आप तो ये ऐप मिलेगा, ऐसा पीला कलर का,
ये ऐप हमने बनाया है, ये ऐप डाउनलोड करके हमारा ऐप है और अपने जगह का लोकेशन सेट कर लिए हमने, बहुत ही उन्नत तकनीक से ऐप बनाया है। बाकी ऐप में कहीं ना कहीं समय में थोड़ा अंतराल है, ये बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद देसी गाय का गोबर का कंडा हो, आप सोल से कंडे भी बुलवा लेना, मेरे यहाँ जंगल में चरने वाली गाय है। फिर सोल से घी भी बुला लेना, ये जंगल में चरने वाली गाय का बिलौना वाला घी है। कच्चा जो है चावल भी बुलवा लीजिएगा, पंचमहाभूत युक्त चावल हम शायद सोल उपलब्ध करवा रहा है। फिर सूर्योदय सूर्यास्त के दो मंत्र हैं, ये लिख लीजिएगा, याद करके बोलिए। माचिस कपूर गोंद या रुई वगैरह रखना, इससे 10 मिनट पहले जलाना, अग्निहोत्र करना, ये 7 रंग निकलेंगे स्पष्ट। जो सूर्य से निकलते हैं वो 7 रंग हमारे इससे भी निकलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे, ये तो उतना अच्छा अभी नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा आपको पिक्चर हम देंगे जिससे स्पष्ट 7 रंग निकल रहे हैं। और इतने ही इससे 5 गैसें निकलती है, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपी ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और ऑक्सीजन। ये 5ों गैस पंच तत्वों को शुद्ध करती, सजीव करती, शक्तिशाली करती है, हमारे शरीर के अंदर भी 5ों तत्व स्थिर करती है। अग्निहोत्र का बहुत महत्व है, फिर कभी मैं अलग से इसका प्रेजेंटेशन दूंगा। फिर है सुख क्षेत्र सुजायते बीजम, है ना। आज जो है चिंतन जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहां बोना कब बोना यही सीखना पड़ेगा। तो यही है, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग बीज हमारे पूर्वजों ने बनाया। हर 20 किलोमीटर तो ये धान की वैरायटी बदल गई। बिलासपुर में जो धान विष्णु भोग है वही मेरे यहाँ जो है जीरा शंकर है, हमसे आगे जो है चिन्नौर है और आगे जाएंगे तो विष्णु भोग है। तो ऐसा जो अलग अलग धान जो है, एक ही धान अलग अलग जगह उसका थोड़ा सा जेनेटिक कैरेक्टर चेंज करके 35,000 धान की प्रजातियां बनाया हमारे पूर्वजों ने। 35,000 धान की प्रजातियां हैं भारत में, ठीक है। तो इतनी प्रजाति हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाकर, धान नहीं, अरहर, मूंग, मटर, मसूर, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, राई, धनिया, मेथी, है ना, और जो है सभी तरह के फल के बीज, कंद के बीज, सब्जी के इतने सारे बीज बनाए। ये बनाए हैं हमारे पूर्वजों ने, अपने आप प्रकृति ने नहीं बनाए, बनाए हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों के ज्ञान की धरोहर है, इन बीजों को बचा के रखना पड़ेगा। मैंने देसी बीज बचाने का अलग ही एक विंग बनाया हुआ है, उस पे तेजी से, और हमने देसी बीजों का काम किया तो उनके आकार बढ़ गए, टेस्ट बढ़ गए, फलद बढ़ गई है। तो ये जो है बीजों का सिलेक्शन करना, फिर बीजों को सूर्य का प्रकाश दिखाना, फिर चंद्र दर्शन करवाना, बीजों से प्रार्थना करना, हे बीज मैं आपको मेरे अमुक खेत में, खेत का नाम लो, मैं बोने जा रहा हूँ, कृपया आप अपनी अंकुरण शक्ति जागृत करें। हे चंद्रदेव, हे ईश्वर, इस कार्य मेरी मदद करें। चंद्रदेव क्या, वनस्पतियों का देवता है, इसलिए उनको भी स्पष्ट तौर पर आह्वान करना जरूरी है। और ऐसा करने से बीज का अंकुरण 100% होता है, उसका ग्रोथ भी अलग होता है। ये हमने, हमारे सैकड़ों किसानों ने ये प्रयोग कर चुका, हमारे पास बिल्कुल ये रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है। फिर बीज शोधन, एक रस हम बनाते हैं, बीज संस्कार करते हैं, उसमें माइकोराइजा मिलाते हैं और नक्षत्र के अनुसार बोनी करते हैं। उसके लिए कृषि पंचांग हमने जारी किया है और वो कृषि पंचांग जो है आपको मैं फिर आगे कभी और बताऊंगा। आज अभी कृषि पंचांग के आगे हम बढ़ते हैं। अभी जो है यह वह जीवित सुखम जीवित, हमने खेती बहुत अच्छी कर ली, अब जो अन्न उगाए है ना तो सुख से जीना जरूरी है। उसके लिए हमको जैविक जीवन शैली विज्ञान अपनाना पड़ेगा। जैविक जीवन शैली विज्ञान क्या है, वो जो है नेक्स्ट स्टेप में आपको, ये जैविक जीवन शैली विज्ञान है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है। हम उगाए हैं तो अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें। तो क्या है, पहले तो है जैविक हमारा ये ज्ञान, जीवो जीवस से जीवनम, TCBT, जीवन शैली को अच्छे से जान लो। फिर जैविक ऊर्जा, निगेटिव जो है निगेटिव ऊर्जा से दूर रहें, निगेटिव अणु, निगेटिव जीवाणु, निगेटिव समय अणु, निगेटिव जीवाणु, निगेटिव पौधे, निगेटिव समय, इन सब से दूर रहें। निगेटिव प्रक्रिया यानी नमक शक्कर बनने की, ये इनसे दूर रहें, ठीक है, और ये सबसे दूर रहें, पॉजिटिव ऊर्जा ले। फिर जैविक भोजन, जीवित भोजन करें, जीवित भोजन यानी जिसमें जीवाणु हैं। जैसे अभी राजस्थान में क्या करते थे कि राजस्थान में राबड़ी खाते, राबड़ी क्या है, छाछ में वो जो है ज्वार का आटा डाल देते हैं और सुबह वो आटा फर्मेंट हो जाता है, उसको पीते शरीर ठंडा रहता है, वो क्या है, जीवाणु है। मेरे यहाँ क्या है, चावल में पानी डाल देते हैं रात में, उसमें नमक मिर्च हल्दी, नमक मिर्च डाल देते, सुबह खाते हैं, उसको बोरा बोला जाता है, बासी बोरा, क्या है, उसमें जीवाणु है।
दक्षिण भारत में जो इडली खाई जाती क्या है, वो जीवाणु है, फर्मेंटेड रहा ना, फिर उसको पकाया गया। तो ऐसे फर्मेंट करके और आग में पका लेंगे तो वो कुछ हद तक मान्य है। तो जीवित भोजन करो, फिर ये भोजन पंच महाभूत युक्त हो, ठीक है, क्योंकि जरूरी है, पंच महाभूत रहेगा तो ये भोजन जो है औषधि है, आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से फिर जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारे शरीर में, ठीक है, सबका जो है समय तय है कि भाई सूर्योदय के पहले उठना, हमारा डीएनए हमको कहता उठ जाओ, हमारा डीएनए उठाता उठ जाओ, सूर्यास्त हो गए हमारा डीएनए कहता सो जाओ, 9 बज रहे हमारा डीएनए कहता खाना खा लो, 5 बज रहे हमारा डीएनए कहते हैं खाना खा लो। तो 9 बजे और 5 बजे हम चाय बिस्कुट खिला के हमारे शरीर को शांत कर देते हैं, जब भोजन करना चाहिए तब हम चाय बिस्कुट खिलाते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या, आपने देखा हो गांव में जो सूर्योदय के समय में उठने हैं, जिसकी आदत है वो बीमार नहीं पड़ता, ठीक है, वो जहर भी खा ले तो उसको पचा लेता है, और जो सूर्योदय के पहले नहीं उठता वो जहर खाएगा तो बीमार पड़ ही जाता है, मर ही जाता है, उसी को कैंसर होता है। तो ये जो है जैविक घड़ी यमची और जैविक कर्म, आपका कृषि जो है पूर्ण होना चाहिए। तो ये जैविक जीवन शैली विज्ञान जीवो जीवस्य जीवनम पर आधारित है, और हमने इसका कैटलॉग जारी किया, वो भी मैं आपको दूंगा अलग से, कि ये जो है जैविक जीवन शैली विज्ञान इसी का हिस्सा है। आगे जो है कि ये निगेटिव जो चीजें हैं वो थोड़ा सा मैं चर्चा थोड़ा बड़ा चर्चा कर लेता हूँ, इसको स्किप ना करें, इसको थोड़ा बड़ा करें, बहुत आवश्यक है जरा, ठीक है। पहले तो है दिन की निगेटिविटी कि भाई प्रथमा में कुमड़ा नहीं खाना, द्वितीया में, तृतीया में परवल, चतुर्थी में मूली, पंचमी में, षष्ठी में जो है कैलेंडर देना जरा, षष्ठी में ये तय है कि भैया प्रथमी में क्या नहीं खाना, द्वितीया में क्या नहीं खाना, तृतीया में क्या नहीं खाना, चतुर्थी में क्या नहीं। तो ये कैलेंडर हम बनाते हैं कि प्रथमी में कुमड़ा नहीं, द्वितीया में कटहल नहीं, तृतीया में परमल नहीं, चतुर्थी में मूली नहीं, पंचमी में बेल नहीं, षष्ठी में नीम नहीं, षष्ठी में नीम का दतून भी नहीं करना चाहिए, सप्तमी में ताड़ नहीं, अष्टमी में नारियल नहीं खाना, नवमी में लौकी नहीं, दसवीं में कलम भी नहीं, एकादशी में चावल और सेम नहीं खाना, और द्वादशी में पोई नहीं, त्रयोदशी में भट्टा नहीं खाना, अमावस्या में तिल का तेल और बैंगन, लाल भाजी और सहवास, ये नहीं होता किसमें, अमावस्या में और पूर्णिमा में। तो ये जो है ये दिन का है, तो ये हमारे पूर्वज किस दिन में क्या निगेटिव हो जाता वो जानते थे, इसलिए ये बना पाए। सोचो कहाँ तक हमारे पूर्वजों ने ऊर्जा विज्ञान में कहाँ तक गए कि रविवार के दिन तुलसी निगेटिव हो जाती, जो तुलसी दुनिया को पॉजिटिव करती खुद ही रविवार को निगेटिव हो जाती, जो कांसा पीतल का बर्तन इतना ताकतवर है वो रविवार को निगेटिव हो जाता है, गुरुवार को खेजड़ी का पेड़ निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जिस दिन हम जिस चीज की पूजा कर रहे हैं समझ जाना उस दिन वो चीज निगेटिव है, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये मेरे घर में रखा तुलसी या खेजड़ी इसको पॉजिटिव कर दो, और उस दिन उसको छूते ही हैं, दूर से प्रणाम इसलिए करते हैं। तो क्या भारत की वैभवशाली परंपरा ऊर्जा विज्ञान में कहां तक होते। फिर तिथि की निगेटिविटी, किस तिथि में क्या नहीं खाना वो मैंने बता दिया। माह की निगेटिविटी कि चैते गुड़, चैत में गुड़ नहीं खाना, बैसाखे तेल, जेठे पंथ यानी जेठ में घूमना नहीं बिना सिर ढके हुए, अषाढ़े बेल, अषाढ़ में बेल नहीं खाना, सावन साग न भादो नहीं, क्वार करेला कार्तिक दही है ना, थोड़ा आगे पीछे हो गया है ये ठीक करेंगे, अगहन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फाल्गुन चना, इतने जो कोई इतने परिहरे इनसे दूर है, तागर वैद्य पैर ना धरे, ये स्पष्ट है। क्वार करेला कार्तिक दही, मरियो नहीं तो परियो सही है ना। तो ऐसे जो है जैते गुड़ बैसाखे तेल, जो खाए ता घर जो है ता करे वैद्य से मेला, ऐसे कई छोटे छोटे उदाहरण हैं। तो इस माह में ये निगेटिव हो जाते हैं। और एक मजे की बात आपको मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र का कैलेंडर अलग है, उनका कैलेंडर 15 दिन आगे चलता है, मतलब हमारे यहाँ चैत लग जाएगा गुड़ निगेटिव वहां नहीं होता, क्योंकि वहां जो है फाग चल रहा होता है, इसलिए चैत्र जो है वो अपने कैलेंडर से जो है वो ऊर्जा दंड अपने घर में लगाए, 15 दिन आगे चलता है। दक्षिण भारत का दूसरा कैलेंडर है, ठीक है। तो हर क्षेत्र का अलग कैलेंडर, भारत में 4 कैलेंडर प्रचलित हैं, तो अपने कैलेंडर के हिसाब से ये सब करो, ठीक है। ये एक ही कैलेंडर मान्य नहीं है पूरे देश भर में,
ये हमने अपने उससे सीखा। मैंने किसानों को कहा भैया इसका छाछ का स्प्रे नहीं करना, जो है कार्तिक चल रहा है, तो लोगों ने कहा हमारे यहाँ तो पॉजिटिव है, आपके यहाँ क्या निगेटिव, 15 दिन बाद देना तो उनके यहाँ निगेटिव, मेरे यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का एक कैलेंडर है, कैलेंडर के हिसाब से आप जो है बनाएं। फिर प्रक्रिया की निगेटिविटी, नमक शक्कर और तेल को भयंकर ज्यादा पकाया जाता है, ठीक है, और नकारात्मक ऊर्जा से पकता होगा शायद ये तेल को रिफाइंड करते समय, तो ये इनके इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगते चारों तरफ, तो ये प्रक्रिया की निगेटिविटी हो जाती है। इनको भी छूते ही, खाते ही, हाथ में रखते ही, मुख में रखते ही ताकत घट जाएगी, इसलिए तीनों चीज कभी नहीं खाना, हमेशा के लिए विदा करो। और रिफाइंड तेल की बात कर रहा हूँ, और कच्चे घाने के तेल को बहुत कम खाओ, अगर वर्जिश मेहनत करते हो तो खाओ, अन्यथा तेल खाओ ही मत, ना कच्ची घानी ना पक्की घानी, तेल अपने आप में ही नकारात्मक ऊर्जा है, तेल निकालना अच्छी बात है कि बुरी बात है, तो ये तेल नहीं खाना। तेल मोहनजोदड़ो में भी तेल खाते थे तो वहां भी शुगर के मरीज मिले उस जमाने के लिए, अभी ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। फिर डीएनए की निगेटिव, सांप बिच्छू मक्खी मच्छर इली निगेटिव पौधे, ये इनके डीएनए में निगेटिव है। पश्चिम का विज्ञान क्या है कि पश्चिम के पौधे से भारत के बीज का जो है जेनेटिक सेवन प्लांट ब्रीडिंग कर रहा है, तो नई वैरायटी भी निगेटिव हो रही है। हिमाचल गया निगेटिव, वहां मुझे मटन मिला था निगेटिव, सरसों मूंगफली पूरे में झुंझुनू में था, एक दिन मुझे मूंगफली खाना था, 10 दुकान में गए सब मूंगफली निगेटिव, एक जो है जो छोटी छोटी मूंगफली देसी रखा था उसी का पॉजिटिव था। तो ऐसे निगेटिव जो है डीएनए के जीवों का डीएनए पॉजिटिव जीव में ना मिला है, जिसको जीएमओ कहते हैं, जीएमओ जीएमओ फूड, ठीक है। तो निगेटिव जीवों का जीएमओ अमान्य है, ठीक है, और पॉजिटिव जीवों का जीएमओ करने का भारत में एक प्राचीन पद्धति रही है, इस पद्धति को बोलते चित्तीकरणम, एक पद्धति रही है भारत की भी जो है करणम चित्तीकरणम, एक प्रक्रिया है भारत में जीएमओ की जो पॉजिटिव जीएमओ है, और जिसमें पौधे से पौधे कई जो है डीन मिलाया जाता था, और गाय के जो है गाय के मस्तिष्क की जो खोपड़ी होती है उसमें बीजों को बो करके और उसकी आकार को बदला जाता था। पुराना है, मैं अभी इसको नए सिरे से अभी हम इस पर काम शुरू कर रहे हैं, अभी हमारा जैविक खेती कंप्लीट हुआ तो अब इस पे हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे हम अपने बीजों को उन्नत कर सकते थे चित्तीकरणम से, ये विज्ञान है वृक्ष आयुर्वेद में, पढ़िए आप लोग। और तीसरा है मन की निगेटिविटी, किसी ने सोच लिया कि मेरा सारा विज्ञान फेक है खराब है तो वो कुछ करेगा ही नहीं, उसका मन ही निगेटिव हो गया, ठीक है, और जिसका मन निगेटिव हो गया वो आगे कुछ नहीं करेगा, जो झूठ बोलेगा उसका भी जो है झूठ बोलते ही पंचमहाभूत सांस छोड़ देंगे, तो वो मन की निगेटिविटी के हिस्से हैं। ऐसे जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह की निगेटिविटी मैंने आपको बताया, इन सब से बचना जरूरी है। फिर जैविक जीवन शैली विज्ञान आप अपनाएं। अंत में आपको बता दे रहा हूँ, छत पे खेती करना है, ये प्रेजेंटेशन आज ही मैंने जल्दबाजी में बनाया है पूरा प्रेजेंटेशन, तो कुछ चीज़ें कमी हैं। तो अभी क्या है कि आज जो है छत पे खेती के लिए आप 4 काम करिए। एक तो सबसे पहले क्या करना है, छत पे खेती के लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो आप सजीव जो है जल अपने यहाँ बनाने के लिए जो है कुंड बनाइए, सजीव जल यानी गोबर गोमूत्र गुड़ और छाछ का घोल, इसमें जो है बायोमास जो सूखे बायोमास है उसको भर दीजिए, भरने के बाद उसको रखिए 20-21 दिन, एक काम ये करिए। दूसरा काम क्या करिए कि अणुजल बनाइए, अणुजल कल मैंने बताया था। तीसरा काम क्या करना है आपको कि आपके यहाँ जो है मिट्टी द्रव्य रसायन बनाइए, मिट्टी द्रव्य रसायन क्या है ये भैया, मिट्टी द्रव्य रसायन, इसमें लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, जियोलाइट, ठीक है, ये सब 5 फीट गहराई तक की थोड़ी मिट्टी है सब इसमें डाल दीजिए, और इसमें जीवाणु डाल के ढक के रख दीजिए इसको, बस मिट्टी और जीवाणु डाल के ये धीरे धीरे मिट्टी डिकम्पोज होती रहेगी। ये आप क्या है पौधों को निकाल के स्प्रे भी कर सकते हो, जमीन में भी डालिए, खूब फल खूब खल आएगा, आपके छत पे इतने फल आएंगे कि कुछ पूछो मत। ये सब फार्मूले हमारे किए हुए बहुत ही शानदार है, हमने 250 फल लिए, एक तो इतने से बड़े जो है तो इतने से बड़े टोकनी में बांस की टोकरी में मिट्टी भर के, और हमने वो लगाया क्या बोलते भाई आपका लौकी लगा के 250 लौकी लिए एक पौधे में। फिर और क्या करना है, अमृत मिट्टी आप सोल से खरीद लेना,
ये अमृत मिट्टी 150 दिन में बनती है। इसकी टेक्निक मेरे गुरुजी ने दी है, आप दीपक सरदेव जी सर्च करोगे तो अमृत मिट्टी का फार्मूला आएगा, आप अमृत मिट्टी भी बना लें। फिर क्या करें, नेक्स्ट काम और क्या करिएगा कि आप जो है ड्रम को, जैसे खड़ा ड्रम है ना उसको काट लीजिए, ये ड्रम है उसको काट लीजिए, आधे से काट करके ऐसा बिछा दीजिए ड्रम को, और इसमें जो है भर दीजिए, इसमें पालिए पालक मेथी धनिया लगाइए। एक खड़े ड्रम काटिए ऐसे, और खड़े ड्रम में क्या है, इसमें आधा से अमृत मिट्टी बायोमास, ठीक है, ये भर दीजिए, थोड़ा सा मिट्टी द्रव्य रसायन भी डाल दीजिए आधा। फिर इसमें लगाइए जितने भी पेड़ हैं, आम अमरूद जामुन संतरा चीकू, केला लगा लो, इसमें केला आएगा, छत पे आएगा केला, हमने लिया है छत पे केला, ठीक है, सब पौधे लगा लीजिए इसमें, ऐसे ड्रमों में आधे काट काट के। और क्या करेंगे, छोटी छोटी बाल्टी ले लीजिए, प्लास्टिक की भी बाल्टी ले सकते हो, और उस बाल्टी में भी क्या करना है, नीचे, हाँ सॉरी, इनमें नीचे थोड़ा पत्थर रखना, जरा पत्थर और रेत, आधा से आधा पत्थर और रेत रखना आधा, फिर उसके ऊपर बायोमास रखना, फिर उस पर अमृत मिट्टी रखना, अमृत मिट्टी ये सब ऐसे रख देना, बीच में भी ये सब रेत वेत रहेगा। तो इसमें क्या है, आप मूली धनिया पालक सब, मूली धनिया लगा सकते हो, कंद वाली चीजें और औषधि चीजें एक साथ लगाइए, मूली यहाँ धनिया ऊपर आएगा, मूली नीचे आएगा। फिर जो है कुछ बड़ी साइज के ले लीजिए, तो इसमें जो है आप लौकी गिलकी ऐसे भी लगा सकते हैं, चौड़ी साइज, ये टोकना ले सकते हो, टोकने में लगाइए, नीचे उसमें पत्थर रख दीजिए, रेत रखिए, पहले टोकने को छापिए गोबर से, फिर पत्थर रेत रख दीजिए, और फिर अमृत मिट्टी बायोमास अमृत मिट्टी रखिए, और फिर उसमें पौधे लगाइए। तो इस तरह से अलग अलग चीजों से ऐसे जो है, ऐसे ड्रम ले लीजिए, इसमें जो है अमृत मिट्टी रख दीजिए, अमृत मिट्टी बायोमास ऐसे रख के, और इसमें जो है पालक मेथी धनिया चौलाई भाजी भाजी वर्गीय बोइए, ठीक है, और सेम वगैरह भी लगाई ऐसे ड्रमों में, पूरा ऊपर से ग्रीन नेट बन जाएगा, लौकी गिलकी जो है घर के नीचे तक आ जाएगी। एक सीमा जी हैं, आगे दिखाऊंगा मैं, सीमा धुर्वे जी हैं, उन्होंने अपने छत पे ये सब सब्जी की खेती की है, उनका घर ग्रीन हाउस कहलाता है, और उनके घर में एक पौधे में 250 लौकी, एक जो है गिलकी के एक पत्ते में 9 गिलकी लिया है उन्होंने, 9 गिलकी है ना, उनके घर को देखने वहां स्थानीय विधायक भी गए थे, इतनी सब्जी उगाई है। तो खूब सब्जी उगा सकते हैं, खूब, यानी 4-6-10 परिवार के लिए तो कहीं जाना ही नहीं है सब्जी। और इन्होंने केवल एक मिर्ची का लगाई, काय में ये जो नारियल पानी होता है ना अपन पी के फेंक देते हैं, उसमें अमृत मिट्टी भर दी, अमृत मिट्टी भर दी, और एक धनिया लगा दी, एक धनिया लगा दो, तीन ऐसे करके तीन धनिया लगा दो, आपको पूरी ठंड भर धनिया बाजार लेने नहीं जाना पड़ेगा, वो जो नारियल पानी जो पी के फेंक देते ना, वो हरा नारियल, उसमें अमृत मिट्टी भर दो, एक मिर्ची लगा दो, 3.5 किलो मिर्ची निकाली एक ही पौधे में, 3.5 केजी मिर्ची तोड़ी है सीमा जी ने, एक ही नारियल पानी के उसमें। तो इस तरह से छत पे खेती करो आप, ठीक है। अंत में जो है, समय कितना बचा बताइए, क्या समय हो रहा है, चलिए 10 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ। योग क्षेम बहाम हम, भगवान कृष्ण ने कहा तुम मेरे अनुसार से जियो, तुम मेरे अनुसार से जियो, मतलब हर जीव को जीने के लिए मैंने व्यवस्था दी है, उसके अनुसार से जियो। मनुष्य भी तुम जो है मेरे अनुसार से जियो, तुम कृषि करो और जियो, सबको जीवन दो, ठीक है, खुद जियो और सबको जीवन दो, पंच महाभूतों को ऊर्जा दो, सब ऊर्जाओं को प्रकट करो। तो तुम हर जीव के लिए जो मैंने व्यवस्था दी है उसके अनुसार से तुम मेरे अनुसार से जियो। तुम्हारे जीवन का योग, यानी तुम जो भी कार्य करते हो उसको पूरा मैं करूंगा, और तुम्हारा क्षेम, क्षेम यानी तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगा। छाती ठोक के भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा योग क्षेम बहाम हम, जो है मैं तुम्हारा योग क्षेम का हूं, मैं वहन करूंगा, भगवान कृष्ण ने कहा। और इसलिए इसी जो है शब्द के कारण से भगवान जो है कृष्ण ने 10 अवतार लिए हैं, 10 अवतार 9 हो गए हैं, 10वां आना है, ठीक है, जिसको जो है भगवान विष्णु के अवतार कहे गए, 10वां अवतार गूगल में देख लीजिए क्या क्या है। तो अवतार जब भी जो है प्रकृति की सुरक्षा का सवाल आया, भगवान खुद प्रकट हुए और प्रकृति को ठीक किया। जब रसातल में चला गया था धरती, दुर्गंध में डूब गई थी, तब भगवान नकारात्मक ऊर्जा के भंवर में फंस गई थी, तब भगवान जो है कृष्ण खुद वराह सुंवर के अवतार में आए, मतलब नकारात्मक शरीर को नकारात्मक बनाया, लेकिन उनका जो है
आत्मा वो भगवान कृष्ण का था, पॉजिटिव था, इसलिए सुअर ने क्या किया, सारे दुर्गंध के अणुओं को जीवाणु, आप सुअर जो है जो भी दुर्गंध को खाता है उसके मल मूत्र में कोई दुर्गंध नहीं आता, और सुअर के मांस में मल में वो जीवाणु है जो दुर्गंध को खत्म करते हैं, इसलिए सुअर के मांस मल अस्थि मज्जा से हमने जो है जो कुणव जल वृक्ष आयुर्वेद में बताया गया उसमें जो है ऐसे ऐसे जो है हमने जीवाणु देखे जो सारे कीटाणुओं को खत्म कर देते हैं। हमने जो जीवाणु जल बनाया उसमें 35 तरह के ऐसे जीवाणुओं को इससे निकाला जो नकारात्मक ऊर्जा को खा जाते हैं, और इसलिए हमारा जीवाणु जल जैविक खेती में इतना ज्यादा पावरफुल है जिसको 26 पैसे पर लीटर में बना लेता है, इतने अच्छे अच्छे जीवाणु 26 पैसे, इतने जीवाणु बाजार में 20,000 रुपए में मिलेंगे। तो ये 26 पैसे पर लीटर में हमने ये जो है सुअर के मल मूत्र पसीने मांस मज्जा से हमने कुणव जल वृक्षायुर्वेद का एक ही फार्मूला, पावरफुल फार्मूला है, उससे हमने ये आइसोलेट करके बनाए। तो इसलिए भगवान कृष्ण के ने प्रकृति की सुरक्षा के लिए अपना जो है फिर से 10 बार आए और उनका जो दशावतार है वो पढ़ें। तो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार से जीना है, मतलब मनुष्यों को पंच महाभूतों का योगक्षेम करना है। आपको जो है अग्निहोत्र करके पंच महाभूतों को शुद्ध और सजीव कंटिन्यू करते रहना है। यदि आप ऐसा नहीं करते और इनके द्वारा दिए गए अन्न फल को भोगते, इष्टान्न भोगान्न वो देवा, इनके द्वारा अन्न फल को भोगते हैं, है ना, अपने इष्ट को बिना भोग लगाया उनको भोग लगेगा यज्ञ से, तो बिना यज्ञ किए और अपने इष्ट को वह जो है वो बिना ऊर्जा दिए, जो उनकी ऊर्जा है रूप रंग गंध स्वर स्पर्श, रूप यानी अग्निहोत्र भस्म जमीन पे डालना पड़ेगा, रंग यानी सप्त रंग, गंध यानी जो अग्निहोत्र का गंध निकलती है वायु शुद्ध होता है, स्वर अग्नि शुद्ध होती है और स्पर्श नीर शुद्ध होता है, तो अग्निहोत्र से पंच महाभूत शुद्ध होते, सजीव होते, शक्तिशाली होते, उनको ये जो है भोजन दिए बगैर उनके द्वारा दिए गए अन्न फल को भोगते हैं, है ना। तैर दत्तान प्रदा ये भो सोचा, वह चोर है, स्पष्ट भगवान कृष्ण ने कहा चोर। तो हमको जो है हमको हमारा कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो हम चोर की श्रेणी में आएंगे, और तब जो है भगवान कृष्ण हम भगवान जो है छोटे छोटे अणुओं का देवों की चिंता करेंगे, तो ईश्वर यानी जो देवों के भी देव हैं ईश्वर वो हमारी पर्सनल चिंता करेंगे, ये घोषणा किया है भगवान कृष्ण ने। और भगवान कृष्ण ने कोई झूठ नहीं बोला है, गीता में हर बात सच बोली है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन हमने अपने TCBT पद्धति में यही काम किया है, पंच महाभूत आधारित कृषि करने का ये सब प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया है, और इसी के कारण से ये हमारे जो किसान है सक्सेस किसान है ये श्रीमती सीमा दुर्वे हैं जो छत पर खेती कर कर के और जो है अपना शरीर स्वस्थ की, और अभी तो बड़े लेवल पर पपीता मिर्ची और सुगंधित फसलों की खेती कर रही है। ये सब हमारे किसान हैं अलग अलग राज्यों के, मैंने पहले भी बताया था, सबके रिकॉर्ड प्रोडक्शन आ रहे हैं सबके। ये महेश कुबड़े जी हैं, इनका जो है 18 क्विंटल चने का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। ये पहली बार ओंकार जी जो है गेहूं की खेती की है, 26 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं निकाले। ये राकेश जी है गेहूं 22 क्विंटल प्रति एकड़ जो है गेहूं निकाले। चंदन जाट जी का चौथे साल का केला 35 किलो का आ रहा है, चौथे साल का। यहाँ तो पहले साल का केला जो है 16 से 18 किलो आता है, ये चौथे साल निकाल रहे 35 किलो और हर साल निकालेंगे अब जिंदगी भर। यहाँ तो रासायनिक किसान हर साल केला बोते और केला काटते, हर साल 1.5 लाख खर्च करते, ये तो मेरे ख्याल से 15-20 हजार के खर्च में और बम्पर प्रोडक्शन लेने वाले। फिर ये जो है हम इन्होंने बासमती का जबरदस्त धान उत्पादन, किनोवा का धान उत्पादन कर रहे हैं, छोटा अनाज, ठीक है ना। ये सब्जी निकाल रहे हैं बम्पर, है ना। तो ऐसे ये खेती कर रहे हैं औषधि मसालों के, ऐसे हैं। ये दो ऐप हैं हमारे, सोल एजुकेशन सोल फार्मर ऐप, ये डाउनलोड कर लेना, सोल दुकान ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप जो भी चाहिए वो आप बुला सकते हो, सोल दुकान ऐप, और उससे आप जो है किसानों को मदद मिलेगी। ये किसानों के ऐप हैं, और इस तरह से मैं आज का सेशन को ना अपने पंच महाभूतों को समर्पित करता हूँ। हे मेरे पंच महाभूत प्रकृति के सजनार, हे मेरे भगवान, आपको मैं आज की साधना समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो चर्चा करें, अन्यथा अगर समय हो रहा है तो समापन भी कर सकते हैं। हाँ, तारा चंद जी बहुत बढ़िया तरीके से बताया।
तारकचंद जी, आप अणु जीवाणु ब्रह्मा विष्णु महेश नव दुर्गा को छोड़कर स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत ऐसे क्रिप क्रॉस आप जा रहे थे, बहुत बढ़िया। आपका तो इतना नॉलेज है उसका, रियली हैट्स ऑफ टू यू। इसको लेते हुए एग्रीकल्चर जोड़ लिए और फाइनली आप होम गार्डनिंग भी बता दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी एनलाइटनिंग। और हमारे सबके रिजल्ट हैं, मतलब हमने कृषि में काम किया रिजल्ट है, गर्भस्थ संस्कार में काम किया परिणाम है, जैसे चाहे वैसे बच्चे, छत पे खेती किया जबरदस्त सब्जी का उत्पादन है, हमने केवल ये थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल करके कंप्लीट किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच जी जी, नमस्ते जी। आज हम प्रश्नों की चर्चा नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से भी नागेश भाई के बताए, बाकी मैं तो बहुत अच्छा तारा जी आपने एक प्लेटफॉर्म एक सुंदर बनाया। हम आने वाले दिनों के अंदर जो अग्निहोत्र होमा है उसके बारे में बताने वाले हैं। हमारे साथ में जो किशोर भाई है उन्होंने बहुत अभी अच्छी तरह से रूप चिकित्सा के बारे में बताया है। हम लोगों ने जो पवन प्रसादी धूप बनाया था वो और बाकी के राजवल्लभ धूप है उसके बारे में भी आज आपने एक भूमिका बांध दी है, जिसके अनुसार हम लोग उसका भी एक आने वाले दिनों में चर्चा करने वाले हैं। और रंग चिकित्सा के बारे में बताया, ऊर्जा के बारे में बताया, अधोगति ना ऊर्ध्वगति, लेकिन उसका यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग मुझे खाली पूछना था कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि उसके बाद में आपने ही आगे मैंने सुना तो उसमें मुझे समझ में आ गया कि कभी कोई चीज़ हमारे लिए नेगेटिव होती है तो किसी और जगह के ऊपर वो पॉजिटिव भी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी, सही है सही बोल रहे हो। हमारे लिए निगेटिव उनके लिए पॉजिटिव है, प्रकृति में दोनों ऊर्जाओं का होना आवश्यक है, लेकिन हमारी ऊर्जा में वो ऊर्जा शामिल नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह से आपने लिया और आपका अनुभव बताइए, आपको सिखाते समय कैसा लगा हमारे साथ। हाँ जी हाँ जी, मैं तो जो है ऐसा मान के चल रहा हूँ कि उधर विद्वान श्रोता लोग हैं और मुझे जितना जल्दी समझा सकूं उतना मैं अपने दायित्व से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा लगता है मेरे पर भार है, ये भार मैं आपके जो है सिर में रख दूं ऐसा मैं सोचता हूं, और इसलिए सब कुछ बता दूं ऐसा मुझे लगता है ताकि मेरे शरीर का भार कम हो जाए और फिर आप इसको अन्य लोगों को बता के समाज में फैलाएं, बस मेरी तो ये इच्छा रहती है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है आज, और मैं नागेश भाई जी को भी कहूंगा कि यहाँ पर आए और बाकी के जो सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ताराचंद जी ने जो आज जो डेढ़ घंटे के अंदर जो बताया है पूरा जो उन्होंने बहुत ही उन्होंने गाड़ी दोहराई है आज तो बहुत सुपर तरीके से, लेकिन एक एक विषय को समझने के लिए उनकी ताराचंद जी की पाठशाला करके यूट्यूब के ऊपर पूरा वीडियो है और मैंने पूरे वीडियो पिछले एक महीने के दौरान एक एक वीडियो को मैंने दो दो तीन तीन बार समझा है देखा है, तब जाकर मुझे ये अनुभव में आया कि जो व्यक्ति ने इतना सारा नॉलेज ग्रहण किया है वो इस प्रकार से जितने आत्मसात किया है ना वो बता सकता है। हमने हमारे सेशन में पहले दिन बताया था श्रवण मनन और विधिध्यास, जब विधिध्यास में वो चीज़ आती है ना तभी वो आत्मसात होकर वो लोगों को समझाने के लिए वो व्यक्ति तैयार होता है। अदरवाइज ये विषय इतना कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन उसको एक सहज तरीके से प्रदर्शित करने की क्षमता बहुत कम लोगों के अंदर होती है, और हम सब लोग सदभागी हैं कि हमारे साथ में ताराचंद वीर जी ने इतना सुंदर तरीके से ये विषय को हमारे सामने सरल बनाकर रखा। जैसे हमारे गुजराती में एक कहावत है, जितने लोग गुजराती वो समझेंगे कि एक तो गणित तो विषय को अघरो हो विद्या की मान मान आयलो है अरे टीचर पर अरे भरा हुए अग्नि लिखते हैं जब लोग स्टूडेंट भागी जाए, यानी कि जो स्टूडेंट आता है ना वहाँ मुसीबत से तो टीचर कभी कभी इतना वो विषय को गंभीर बना देता है ना कि वो स्टूडेंट भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली थे, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं नागेश भाई को मैं कहूँगा कि समाप्ति करें तो उसकी। नमस्कार सबको, चिंतन जी ने और रोमा जी ने तो वैसे काफ़ी चीज़ों का समाप्त कर दिया है, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ताराचंद जी ने हमारे साथ में कुल 4.5 घंटे बिताए हैं, और उस 4.5 घंटे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ को उन्होंने कल्पना परिकल्पना और अपने उद्देश्य को किस तरीके से आपके सामने रखा है ये एक बड़ा प्रश्न है, जिसे उन्होंने कहा ना कि मैं अपने ज्ञान को आपके सिर पर रख दूँ और उसके बाद आप उसको किस तरीके से लेते हैं, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है हमारे बीच में।
कि हम लोग एक सनातन संस्कृति को और ऋषि परंपरा के साथ में बढ़ रहे हैं, और उन्होंने उन ऋषियों को और उन्हें उन देव माताओं को भी हमारे सामने रखा, रंग का भी माध्यम से करा, उन्होंने सात रंगों को भी बताया है, पंचभूत को बताया है और उनमें सामंजस्य बताया है, और उसके साथ उन्होंने बताया कि इसका अगर संतुलन बिगड़ जाता है प्रकृति में या शरीर में या हम दोनों के बीच में, मतलब भूमि के बीच में मानव और मानव के ऊपर ब्रह्मांड, तो जो उन्होंने जो जो संरचना को जिस तरीके से संचालित करने की जो शक्तियाँ हैं और उनका जो समापन और उनका संवर्धन और इस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके बाद में उन्होंने नैनो वर्ल्ड भी यूज किया है, तो ये एक मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके बाद में बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि समय जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं उनके प्रश्न को अभी हम एक रिसर्च के एप्टीट्यूड में लेना पड़ेगा अभी, और मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ, आगे के जितने भी सेशन होंगे और जिस तरीके से हम लोगों ने इसको समझा है वो आगे के एक्सपर्ट और इसको एलाबोरेट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि वो लोग भी इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, और इस जो पूरे ब्रह्मांड की बात आती है तो उसमें सारी चीज़ें अपने आप आ जाती है, तो मैं ताराचंद जी को सबकी तरफ से हमारे पूरे परिवार की तरफ से और हमारे खुलना यूनिवर्सिटी की तरफ से और आज गवर्नर साहब ने भी हमारे विजिट किया था हमारे एक स्टार को चिंतन जी को बताना था, वो रह गया है चिंतन जी, उसको आप बता दें तो अच्छा रहेगा, और फिर आप आभार प्रदर्शन करें और सबका जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को अपने सहभागिता के साथ में उपस्थिति के साथ में और जिस उनने तन्मयता से सुना है, मैं सोचता हूँ वे लोग इसको आगे बहुत प्रूव करेंगे, क्योंकि साइंस जो होता है अंधा होता है, ये कभी भी किसी के साथ में होता नहीं है, और इसको आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, ताराचंद जी ने जिस तरह से आसानी से कह दिया इतना आसान नहीं रही है आपको समझने के लिए करने के लिए, इनको बहुत सारी चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा और उसके बाद में हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और उसको प्रूव करना पड़ेगा, अगर ताराचंद जी मेरी बात से सहमत है तो मैं कृपया बात करें और चिंतन जी उसके बाद में गवर्नर साहब ने जो आज विजिट किया उसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये आज हमारे गुजरात के अंदर हमारा जो ह्यूमन हेल्थ सर्कल इंडिया जो NGO है उनके वहाँ पर उनका जो स्टोर है वहाँ पर आप देख रहे हो कि चित्र के अंदर, चित्र छोटा सा है हमारे ग्रुप के अंदर शेयर किया है, लेकिन जो ह्यूमन हेल्थ सर्कल इंडिया जो बहुत अच्छे तरीके से जो हेल्थ के बारे में प्रोग्राम चलाते हैं और इसी प्रकार के प्रोग्राम, तो उनके स्टॉल के ऊपर आकर आचार्य देवव्रत जी ने आज विजिट किया और हमारी संस्था के जो अन्य अधिकारी हैं वो उसके बारे में हमारी एक्टिविटीज के बारे में हमारे स्टॉल के बारे में समझा रहे हैं, ये हमारे गर्व की बात है, और हमने उनको एक लेटर भी लिखा हुआ है, और हम आने वाले दिनों के अंदर हमारा ये जो प्रोग्राम जो चल रहा है कि ये नॉट ओनली फॉर इंडिया बट वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर सारे विश्व के लोगों को जोड़कर इसके बारे में भी हम उनको बताएंगे, और वो मुझे निश्चित है कि वो बहुत ही खुश होने वाले हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर उनका जो पहले से लगाव है वो प्रकृति के ऊपर पंचभाव के ऊपर हमारे रिस्पेक्टेड जो गवर्नर है उनका रहा हुआ है, तो उनको भी जरूर हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार आशीर्वचन के लिए बुलाएंगे, ऐसा आप सबकी संकल्पना है। और ताराचंद जी मैं एक खाली एक आपसे निवेदन करूँगा कि आपने ये जो 3 दिन के अंदर ये एक संकल्प के साथ में हम लोगों को जो आपने नॉलेज दिया, क्या आप हमसे अपेक्षा रखते हैं कि आप मुझे सक्सेस में 2-3 सवाल आप पूछना चाहें तो हम पार्टिसिपेंट्स को ये प्रोवाइड करेंगे और वो लोग एक असाइनमेंट के रूप के अंदर उनको ये करना रहेगा, तो आप थोड़ा सा बता सकते हो कि क्या क्या लोगों को इसके अंदर से समझना जरूरी है, इसका टेक पॉइंट क्या क्या उनको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या है वो अग्निहोत्र किट, भस्म रसायन किट और कैप्सूल कल्चर किट लें, और अग्निहोत्र किट से अग्निहोत्र करें, उसका भस्म से ऊर्जा जल खेत में डालें, पहला काम। दूसरा काम है न्यूट्रिशन नहीं है खेत में तो भस्म रसायन किट से मटके में भस्म रसायन किट बनाएं, और जैव रसायन और सडरस घर की वस्तुओं से बनाएं, तीनों चीज बना के अणु जल बनाएं, अणु जल खेत में डालें, ऊर्जा जल, अणु जल और तीसरा जीवाणु जल कैप्सूल कल्चर किट से,
102 तरह के बैक्टीरिया हैं, इतनी में किसान का उद्धार है। और किसान अगर अपने यहाँ जाके अन्न द्रव्य चावल से बनता है, छाछ द्रव्य छाछ से बनता है, ठीक है, और अन्य द्रव्य रसायन छाछ द्रव्य रसायन ये जो है और बना ले, तो जो है इससे जो है अन्य द्रव्य से जड़ बढ़ेगी, छाछ द्रव्य से प्रोटेक्शन मिलेगा बहुत अच्छा। बहुत ही कारगर उपाय हैं, मिट्टी द्रव्य रसायन भी बना ले, कारगर उपाय हैं। इतना ही कर ले तो उसकी खेती रासायनिक से पहले ही सीजन में 1.5-1.75 गुनी तो हो ही जाएगी, सब्जियां 2.5-3 गुनी हो जाएगी, दूसरे सीजन से सीरियल फसलें 2 गुनी और सब्जी फसलें 4 गुनी हो जाएंगी। केवल इतने ही फार्मूले, 3 फार्मूलों में मात्र 7200 रुपये खर्च करना है, यानी उससे 7200 रुपये में 5 एकड़ खेती कर लेंगे अच्छे से। तो एकड़ का खर्चा जो है 1.25 हज़ार रुपये का आएगा और फर्टिलाइज़र उसका 2500 रुपये का बचेगा, जो मैंने केले का बताया है। तो ये थोड़ा कर लें और जीवन शैली के लिए थोड़ा काम करें, ऊर्जा जल पिए, अग्निहोत्र करें, ऊर्जा जल बना के पिए, जैव रसायन जो है बनाएं तो उससे वो भी सुबह शाम पिए, आंवले का जैव रसायन बना लें सुबह शाम पिए, और जैव रसायन से स्नान भी करें और अग्निहोत्र भस्म से स्नान करें, साबुन छोड़ दें, है ना, कॉटन के कपड़े पहने, झूठ बोलना छोड़ दें, मन को थोड़ा आनंदित रखें, इतना ही कर लें बस। एक और अपेक्षा है, जितने लोगों ने ये सब ऑडियो सुना है, एक दो दिन तीन दिन के लिए भारत के किसी हिस्से पर हम मिलें, ठीक है, कहीं ना कहीं मिलें, जहाँ जैविक भोजन करें, जैविक ऊर्जा में रहें, जैविक कर्म करें और आनंद से रहें, तो ऐसा 2 दिन का एक प्रत्यक्ष मिलन भी होना चाहिए, ठीक है, तो ये बनाइए एक आधो। आपने बोला है तो हो जाएगा। जी 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 नमस्कार, ठीक है।